हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब पंचायत सैक्रेटरी दा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यह पेपर पंजाब पंचायत सैक्रेटरी पोस्ट दे लई 2016 दे विच ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया सी। इस दे विच टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए सी, जिस दे विच पहले जो 12 क्वेश्चन सी ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਥ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ। अगर आप इन्हों मिला दिए तो अपने कोल क्वेश्चंस होंगे 100 जो इस पेपर दे विच पूछे गए सी। इन्हों आप 100 दे 100 क्वेश्चंस नू कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच, इसलिए तुहानू इस वीडियो नू बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यह पंचायत सैक्रेटरी दे प्रीवियस पेपर दी वीडियो मैं तुहाडे तक लेके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आप इस वीडियो नू स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला जो 12 क्वेश्चंस इंग्लिश तो पूछे गए सी उन्होंने कवर करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पुछा गया सी, एक वर्ड है जिसका नाम की है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट वर्ड है इसका मतलब आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछा गया सी। जो गवर्नमेंट का जो मतलब आपां नूं आंसर दे विच दिता गया, ऑप्शन दे विच दिता गया, वह दिता गया है डी ऑप्शन दे विच, कॉनिशियर ऑफ गुड फूड। यह मतलब किसका है? गवर्नमेंट का। इस क्वेश्चन का आंसर कहड़ा है? डी ऑप्शन, कॉनिशियर ऑफ गुड फूड। नैक्सट क्वेश्चन देखो, सैकेंड नंबर क्वेश्चन। सैकेंड नंबर क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिता गया है जिसका नाम है मैटीनेट। मैटीनेट जो वर्ड है इसका मतलब आपको क्वेश्चन के पूछा गया। इसका जो मतलब आपको दिता गया है वह दिता गया है सी ऑप्शन के। बेसिकली जो अपने डिसिप्लिन बने होंगे ने, अगर कोई परसन उस रिलेटिड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, उस आप एक वर्ड यूज़ करते हैं मैटीनेट। इस क्वेश्चन आंसर कि बनेगा अपना सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है करैक्ट स्पैल्ड वर्ड पूछा गया है इन चार ऑप्शन के। जो इन करैक्ट स्पैल्ड वर्ड दिता गया है वह आपको दिता गया है सी ऑप्शन के। इस बेसिकली दो आर आप यानी डबल आर यूज़ करते हैं और डबल ही आप एस यूज़ करते हैं। इस जो स्पैलिंग होंगे अपने वो कि होंगे EMBARRASING। यह बिल्कुल सही स्पैलिंग होगी कि इसके एम्ब्रेसिंग के। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आपको एक डायरैक्ट स्पीच है जी दी गई है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किस दे विच? इनडायरैक्ट स्पीच दे विच। ठीक है, इस सेंटेंस में आप किस तरह इनडायरैक्ट स्पीच दे विच एक्सप्रेस कर सकते हैं वह आपको क्वेश्चन के पूछा गया। यह सेंटेंस आपको दिता गया है विपुल सैड अलास हाउ थॉटलैस आई हैव बीन। इस आपने इनडायरैक्ट स्पीच दे विच कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस दे विच बेसिकली अपना जो आंसर दिता गया है इन्हां दे विच वो दिता गया है सी ऑप्शन दे विच। ठीक है, इस दे विच अपना जो आंसर बनेगा वो किहड़ा बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, विपुल कन्फेस्ड विद रैगरेट दैट ही हैड बीन थाउटलैस। इस आंसर किहड़ा है? सी ऑप्शन। यह आपने ध्यान रखना है, तो आपको सैड दिता गया यानी पास्ट दिता गया, इस करके हैव बीन कभी नहीं आएगा। इस दे विच आपां जिहड़ा है हैड यूज़ करना पएगा, जो कि आपां दिता गया है सी ऑप्शन दे विच। इस करके इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बनेगा? अपना सी ऑप्शन बनेगा। नैक्सट देखो, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पंज नंबर क्वेश्चन। इस दे विच जो अपने कोल अंडरलाइन वर्ड्स ने, इन्हां नूं आपां ने किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछा गया। किहड़े वर्ड्स ने जिन्हां नूं आपां रिप्लेस कर सकते हैं इन्हां वर्ड्स दे नाल? ठीक है, सम साइंटिस्ट्स बिलीव्ड दैट अ मेट्रोइड कुड हैव क्रिएटेड अ सुनामी दैट वाइप्ड आउट लाइफ ऑन अर्थ सैवरल बिलियन ईयरस अगो। बेसिकली आपां नूं कहा गया है, कुछ साइंटिस्ट्स ने जिहड़े वह बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि एक मैटराइट आया सी जिसके द्वारा एक जिहड़ी सुनामी है इसनों क्रिएट किया गया। ठीक है, जिसके कारण जो लाइफ से जीवन से वाइपड आउट हो गया ऑन अर्थ सैवरल बिलियन ईयरस अगो, कुछ साल पहला। ठीक है, सैवरल बिलियन ईयरस अगो। ठीक है, इन्ने साल पहला जो लाइफ से वो की हो गई सी? वाइपड आउट हो गई सी। ठीक है, इसको आप किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं? इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं पुट एंड एंड टू। ठीक है, इसका अपना सेंस कि बन रही है? वो बन रही है डी ऑप्शन वाली, पुट एंड एंड टू। डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नैक्सट देखो, छे नंबर क्वेश्चन। छे नंबर क्वेश्चन में अगेन आपको एक सेंटेंस दिता गया है, इस वर्ड है ओवर आर्किंग। इसको आप किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं?
पूरा वाक है जेड़ा आपां दिता गया है, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ द ओवर आर्किंग परस्पैक्टिव दैट अ परसन डिवेलप्स थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। इस ओवर आर्किंग आपां किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, जेड़ा ओवर आर्किंग है इसनों आपां रिप्लेस कर सकते हैं किस दे नाल, इंब्रेसिंग एवरीथिंग दे नाल। इस आंसर है अपना सी ऑप्शन, इंब्रेसिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट देखो सत्त नंबर क्वेश्चन, सैवंथ नंबर क्वेश्चन विच इस दे विच जो अपने कोल एक वर्ड है जिसका नाम की है विदस्टैंड, इस दे विच आपां ने ओपोजिट जिहड़ा मीनिंग दा वर्ड होएगा वो आपां ने फाइंड करना है, ठीक है। हिज एनर्जी गैलवनाइजेज हिम टू शोल्डर द रिस्पोंसिबिलिटीज एंड विदस्टैंड द प्रेशर्स ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट, ठीक है। इसनों आपां ने रिप्लेस करना है किस दे नाल, यानी इसका आपां ने ओपोजिट जिहड़ा मीनिंग होएगा वर्ड वो आपां ने फाइंड करना है, ठीक है। इस दे विच जो ओपोजिट मीनिंग दा वर्ड आपां नूं दिता गया है वह दिता गया है कोलैप्स, बी ऑप्शन। कोलैप्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होएगा, बी ऑप्शन। नैक्सट देखो इस दे विच आपां नूं दिता गया है, इस दे विच आपां ने जो बेस्ट अल्टरनेटिव होएगा वह आपां ने फाइंड करना है इस फोर इट्स एस्टैबलिशमेंट दे रिलेटड, ठीक है। द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूड फॉर इट्स एस्टैबलिशमेंट राइट फ्रॉम द रीगन ऑफ बप्पा रावल। इसनों आपां फोर इट्स एस्टैबलिशमेंट नूं किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस दे विच एस्टैबलिशमेंट की गल की गई है तो आप कह सकते हैं कुछ जदों तो स्टार्ट हुई सी, ठीक है। एस्टैबलिशमेंट मतलब जदों तो स्टार्टिंग हुई सी उस तो बाद कंटिन्यू है, यानी इस दे विच अपने कोल जिहड़ी सेंस बन रही है सिंस वाली बन रही है, सिंस इट्स एस्टैबलिशमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। जो टिल आप यूज़ करते हैं वह आप एंड वर्ड के नाल यूज़ करते हैं क्योंकि यह लास्ट में शो करता है टिल, ठीक है। इस करके इस क्वेश्चन का किहड़ा आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन बनेगा, सिंस इट्स एस्टैबलिशमेंट, ठीक है। नैक्सट देखो इस दे विच भी अपने बेस्ट अल्टरनेटिव है जिहड़ा वह सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस दे विच जो बेस्ट अल्टरनेटिव होएगा फर्म एंड प्लीजेंट नेचर का वह आपको क्वेश्चन के पूछा गया। द कंपनसेट फॉर लैक ऑफ एडमिरेबल एडमिरेबल फिजीक बाय देयर फर्म एंड प्लीजेंट नेचर, इस दे रिलेटिड आपको बेस्ट अल्टरनेटिव है जिहड़ा वह आपने सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन के। इस दे विच जो अपने कोल दिता गया है सही ऑप्शन वो दिता गया है फर्म बट प्लीजेंट नेचर, इस आंसर केड़ा है ए ऑप्शन, फर्म बट प्लीजेंट नेचर। नैक्सट देखो दस नंबर क्वेश्चन विच आपां नूं की पूछा गया है, चूज द बेस्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स वाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव वॉइस फॉर्म स्टूडेंट्स लर्न अबाउट, यानी जदों आपां पैसिव वॉइस रेडी फॉर्म है जी इसनों लर्न करते हैं, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है स्टूडेंट्स लर्न अबाउट किस दे बारे लर्न करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आप यूज़ करते हैं वर्ब उस दे रिलेटेड आपां नूं याद करना पैंदा ध्यान रखना पैंदा, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय, यानी इस क्वेश्चन आंसर केड़ा बन जूगा अपना यूज ऑफ वर्ब फॉर्म डी ऑप्शन। नैक्सट देखो ग्यारह नंबर क्वेश्चन विच आपने इसनों रिप्लेस करना है अल्टरनेटिव दे नाल, ठीक है। जो आपां नूं ऑप्शन दिते गए ने इसनों आपां किस दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, इट फॉर्म्स द नैचुरल बाउंड्री दैट रनज अलोंग द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बेसिकली एक जो अपनी रिवर है रावी नदी, ठीक है, यह एक नैचुरल जिहड़ी बाउंड्री है जिहड़ी उसनों क्रिएट करती है फॉर्म करती है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दे विच, यानी यह किस दी सेंस दे रही है आपां नूं क्रिएट दी सेंस दे रही है, तां आंसर बन जाऊ इस क्वेश्चन का क्रिएट्स, बी ऑप्शन क्रिएट्स। नैक्सट देखो बारह नंबर क्वेश्चन विच आपां नूं एक ईडियम फ्रेज दिता गया, ठीक है, इसका जो अर्थ है वह आपां नूं पुछा गया, यानी इन्हां दे विच किहड़ा ऑप्शन है जिस दे विच बेस्ट एक्सप्रेस है जिहड़ा वह किया जा रहा है इस टेकिंग फ्रेंच लीव नूं, ठीक है। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव, बेसिकली उस दे द्वारा उसनों पनिश किया गया जो उस दे द्वारा फ्रेंच लीव ली गई है, ठीक है। यह जो टेकिंग फ्रेंच लीव है इसका जो सही उत्तर है वह किहड़ा है, बेसिकली जदों कोई परसन परमिशन तो बिना एबसेंट हो जाता है तो उस रिलेटिड पनिशमेंट है जी उसनों दिती जाती है, ठीक है, यानी बीइंग एबसेंट विदाउट परमिशन। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी ऑप्शन, बीइंग एबसेंट विदाउट परमिशन, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन जो अपने इंग्लिश के इस पेपर के पूछे गए थे ये अपने कवर कर ले, ठीक है। हुण आपां गल करते हैं जो पंजाबी व्याकरण तो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्होंने आपां कवर कर लगे हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे इन्हों देखते हैं, ठीक है। इस दे विच 13वां क्वेश्चन आपां पूछा गया है पंजाबी भाषा का मौजूदा रूप इतिहासिक तौर पर हेठ लिखिया भाषावां
विचों निखर के आया है। बेसिकली इस दे विच आपां ने इन्हां नूं अरेंज करना है, ठीक है। जिहड़ी पहला भाषा सी उहनूं पहला लिखना है, उस तो बाद जिहड़ी भाषा आई सी फिर उसनूं लिखना है, उस तो बाद जिहड़ी भाषा आई सी उह लिखनी है, और लास्ट ते जिहड़ी भाषा आई सी फिर आपां ने उहनूं लिखना है, ठीक है। हुण आपां नूं सब तो पहला पता है किहड़ी भाषा आउंदी है, सब तो पहला आउंदी है वैदिक भाषा, ठीक है। वैदिक यानी वेदां दी भाषा नूं आपां वैदिक भाषा बोलदे हां, ठीक है। वैदिक भाषा आई सब तो पहला, उस तो बाद जो भाषा बनी उह किहड़ी सी, संस्कृत। संस्कृत भी जो भाषा है वैदिक भाषा तो ही क्रिएट की गई है, ठीक है। यानी वैदिक भाषा होगी फिर आऊगी अपने को संस्कृत भाषा, यानी सब तो पहला फस्ट आएगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आएगा अपने को थर्ड, फस्ट थर्ड वाला अपना ऑप्शन होएगा। ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों अपने आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं अपना संस्कृत, संस्कृत तो बाद कि भाषा आई, उस तो बाद आई प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत तो बाद जी भाषा आई वह आई अपभ्रंश, ठीक है। यह बेसिकली इन्हों का जो ऑर्डर है अपने ध्यान में रखना होंगे, अपभ्रंश आ जी बाद आई, उस तो बाद एक कैकई आई सी, ठीक है। कैकई तो बाद पंजाबी बन गई सी, इस तरह अपनी जी पंजाबी भाषा का जो क्रिएशन है वह होया है, यानी जो पंजाबी भाषा की फॉर्मेशन है इस तरह हुई है, ठीक है। इस अपभ्रंश तो बाद कैकई आई सी, कैकई तो बाद ठीक है वह आई पंजाबी आ गई अपनी, ठीक है। ये सारिया भाषावें इस तरह जी फॉर्मेशन है वो की गई सी, ठीक है। इस अपभ्रंश में सोर्स है नहीं अपभ्रंश बोलते हैं, ठीक है। सोर्स है नहीं अपभ्रंश, ये अपने कुल भाषावान की जी फॉर्मेशन है इस प्रकार होंगी है। इस क्वेश्चन का आंसर कहड़ा बन गया अपना, यानी फोर्थ आऊगा, सब तो पहला फस्ट आऊगा, फिर अपना थर्ड आएगा, थर्ड तो बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ तो बाद आएगा अपना सैकेंड। एक तीन चार दो, एक तीन चार दो, यानी इस आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, एक तीन चार दो। नैक्सट देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है, इस जो सूची वन है इस माझी मालवी दुआबी जो अपनी उपभाषावान ने यह आप दिखाई गई ने, इस तरफ इन्हों के रिलेटड जो शब्द ने, ठीक है, वह आप दिए गए हैं, इन्हों आपस ने की करना मैच करना है, ठीक है। सब तो पहला अपने ध्यान में रखना है जो 30वीं वर्ड है, यह काफ़ी तुमने पेपरों के अक्सर देखा होएगा, काफ़ी रिपीट होंगे यह क्वेश्चन, ठीक है। जो मलवई भाषा का शब्द है यह एक जो 30वीं है, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यह पता है तो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है हल हो गया। किवें हो गया? क्योंकि सी दे विच सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिहड़ा, जिस दे विच मलवई दे विच 30वीं दिता गया, यानी यह आंसर नहीं हो सकता अपना, यह भी कदी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। यह आंसर जिहड़े ने अपने तीनों जिहड़े ऑप्शन ने वो बिल्कुल एलीमीनेट हो चुके हैं। जिहड़ा मलवई है वह किहदे नाल मैच हो गया? 30वीं दे नाल। उस तो बाद नैक्सट देखो जो ए है यानी दुआबी है, यह किहदे नाल मैच हो जाएगा? रमान दे नाल, यानी यह मैच हो जाएगा अपना रमान दे नाल, ठीक ठीक है, ठीक है। यानी कहने का मतलब की है, जो रमान शब्द है दुआबी भाषा का शब्द है, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं आप माझी, माझी भाषा का जोड़ा शब्द अपन दिता गया है वह कि होएगा, ठीक है। इस बेसिकली जो दुआबी है, सॉरी इतने अपना सैकेंड आएगा, ठीक है। इस मलवई जो है यह अपना 30वीं हो गया, ठीक है। ये अपना बिल्कुल सही मैच होगा, यानी इसका आंसर कि बनेगा अपना बी ऑप्शन बनेगा। उस तो बाद जी दुआबी भाषा है, इस दे विच जो शब्द है, यानी इस दे विच जो शब्द दिता गया अपन के दिता गया है, ये अपना इधर मैच हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद जी माझी है, माझी उपभाषा का जो शब्द दिता गया है वह दिता गया अपन रमान, ठीक है। रमान मैच हो गया, ये पुआधी के लिए जो शब्द बच गया अपना वह कि बच गया? बिचवा। यह शब्द कि है? पुआधी उपभाषा का, यानी इस दे विच सैकेंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, सैकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन विच आपां सगोश अल्प प्राण व्यंजन ने जिहड़े वह पुछे गए हैं। बेसिकली व्यंजन ने जिहड़े दो प्रकार के होंगे ने, एक होंगे ने अल्प प्राण, एक होंगे ने महाप्राण। यह तुहानू जिहड़ा पंजाबी दा व्याकरण दे जिहड़े लैक्चर्स ने उन्हों तो ही तुहानू कन्फर्म होएगा किस तरह आपां इन्हां यूज़ करते हैं, ठीक है। इत्थे आपां सीधा गल करते हैं कि अपना आंसर होएगा। जिहड़े सगोश ने यह भी दो प्रकार के होंगे ने, एक सगोश होंगे ने, एक होंगे ने अगोश, ठीक है। यह काफ़ी डूंघाई दे विच जिहड़ा क्वेश्चन है वह पूछा गया है इस पेपर के, ठीक है। इस दे विच जो सगोश अल्प प्राण व्यंजन ने वह आपां नूं पूछे गए ने, किहड़े किहड़े दिते गए ने। इस दे विच जो दिते गए ने आपां नूं अल्प प्राण जो सगोश दिते गए ने, दिते गए चार ऑप्शनों के विचों वह दिते गए ने तत्ता, चचा, कक्का और पप्पा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, तत्ता, चचा, कक्का, पप्पा। यह अपने कोल की ने? सगोश अल्प प्राण। अगर आपां नूं पुछदे सगोश महाप्राण किहड़े होंदे ने, वह होंदे ने बब्बा, ढड्डा, ठीक है, डड्डा, ये सारे की ने? यह अपने कोल महाप्राण ने, ठीक है। जिवें इत्थे अपना डड्डा यूज हो गया तां आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद
ये ऑप्शन जिहड़े ये भी अपने जिहड़े ने महाप्राण के आ जाएंगे या फिर अगोश अल्प प्राण के आ जाएंगे कुछ, ठीक है। इस आंसर किहड़ा बनेगा अपना बी ऑप्शन बनेगा, तत्ता चचा कक्का और पप्पा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इस दे विच बेसिकली आपां नूं क्वेश्चन विच पूछा गया है हेठ लिखे स्वरां विचों हरसव स्वर पहचानो। बेसिकली जिहड़े स्वर होंदे ने ये भी दो होंदे ने, एक होंदे ने हरसव, ठीक है, एक होंदे ने लघु होंदे ने, ठीक है, दो होंदे ने। और इन्हां दे विच आपां नूं पूछा गया है जिहड़ा हरसव जो स्वर है वह किहड़ा है, वह आपां ने सिलैक्ट करना इन्हां दे विचों, ठीक है। इस दे विच जो सही दिता गया है आपां नूं वह दिता गया है उड़े नूं औंकड़, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है जिहड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। उड़े नूं औंकड़ जो है यह कि एक हरसव स्वर है, बाकी सारे कि ने लघु ने, यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन गया अपना बी ऑप्शन। आई होप तुहानूं यह क्वेश्चन भी जिहड़ा बिल्कुल क्लीयर होया होगा, ठीक है। सॉरी, ये हरसव और लघु एक होंदे ने दीर्घ, ठीक है, जिहड़े जिन्हां दे विच अपने कोल दीर्घ स्वर ने, ठीक है। यह जो ने दो तरह के होंदे ने, एक होंदे ने हरसव जिन्हां नूं आपां लघु भी बोलदे हां, ठीक है, एक होंदे ने दीर्घ, यह अलग होंगे ने। जिमें बिहारी पाई इनू अपने उड़े नू पाया घनौड़ा अपने उड़े ऐड़े नू दलैवें पाइया ने, इतने ऐड़े नू घनौड़ा पाया अपने, ठीक है। यह की ने अपने यह दीर्घ स्वर ने, बाकी जिहड़ा उड़े नू औंकड़ दिता गया है यह हरसव या फिर इनू आप लघु स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के स्वर होंगे ने, हरसव या फिर लघु या फिर एक होंगे ने अलग तो दीर्घ, ठीक है। दो प्रकार के जिहड़े स्वर ने अपने ध्यान में रखने ने। इस आंसर है बी ऑप्शन, उड़े नू औंकड़। नैक्सट देखो, इस दे विच जिहड़ा शुद्ध शब्द जोड़ दिता गया है आपां नूं ओह इस दे विच दिता गया है सोहना, ठीक है। इस दे विच जो सोहना शब्द है ये बिल्कुल आपां नूं सही दिता गया है, ठीक है। इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन, सोहना, ठीक है। जिवें जिहड़ा पढ़ना है नन्ने नाल पएगा पप्पा, डाड़े दे पैर दे विच रारा और नन्ने नूं कन्ना हा हा, ठीक है, डाड़े दे पैर दे विच हा हा, ठीक है, नन्ने नूं कन्ना, ये हो गया पढ़ना सही। इस तरह अपना जिहड़ा सोहना है बिल्कुल सही आपां नूं दिता गया। उस तों बाद इहदे विच आपां नूं की पुछा गया, लकीरें शब्द दे पड़नाव की किस्म दसो, यानी यह जो शब्द है जिहड़े, यह जो शब्द है किस प्रकार का पड़नाव है, ठीक है। जिवें पड़नाव ने जिहड़े अपने काफ़ी प्रकार के होंदे ने, ठीक है, उस दे विच यह जो है किहड़ी प्रकार का है, ठीक है। जिहड़े मेहनत करते हैं वह सफल होंदे हन, इस दे विच जो जिहड़े शब्द दिता गया यह किस प्रकार का पड़नाव है, यह जो पड़नाव है यह है एक संबंधवाचक पड़नाव, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा अपना वह किहड़ा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। यह बेसिकली मेहनत करते हैं वह सफल होंदे हन, यह कोई जिहड़े ने उपवाक ने इन्हां नूं जोड़ा जा रहा है जिहड़े की मदद दे नाल, इस करके किहड़ा हो गया संबंधवाचक पड़नाव। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, संबंधवाचक पड़नाव। नैक्सट देखो, इस दे विच आपां नूं पुछा गया है लकीरिया शब्द किस शब्द श्रेणी नाल संबंधित है, ओह मुंडा मेरा भरा है, ठीक है। जिमें इतने आपां नूं ओह दिता गया है, ठीक है, यह लकीरा किहड़ा है ओह, ठीक है। यह आपां नूं पुछा गया है लकीरा जिहड़ा शब्द है यह किस श्रेणी नाल संबंधित रखता है, यह जो संबंध रखता है पड़नाव दे नाल रखता है, ठीक है, जिस दे बारे गल की जाती है। जिमें इत्थे लिखा जाएगा राम मेरा भरा है, यह नाव हो गया, इस दे लिए आपां ने यूज़ कर लिया ओह मुंडा, ठीक है। इस करके यह किसका काम कर रहा है, पड़नाव का काम कर रहा है। इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, पड़नाव। नैक्सट देखो, बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन विच आपां नूं पुछा गया है इस दे विच जो संबंधक दी जो शब्द है, ठीक है, इसकी किस्म कीड़ी है, किस प्रकार का संबंधक है यह, ठीक है। गोमंद दे उत्ते पंछी बैठे हन, दे उत्ते जिहड़ा शब्द है किस प्रकार का संबंधक है, पूर्ण संबंधक है, मिश्रित है या फिर अपूर्ण है, किस प्रकार का संबंधक है, यह संबंधक है मिश्रित संबंधक। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, मिश्रित संबंधक, ठीक है। इस आंसर है सी ऑप्शन। नैक्सट देखो, 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा इहदे विच की पुछा गया आपां नूं, हेठ लिखे वाकां विचों शुद्ध वाक चुनो। इस दे विच जो शुद्ध शब्द है जिहड़ा वह दिता गया है आपां नूं, दिते गए चार ऑप्शनां दे विचों वह दिता गया है मुंडे जां कुड़ियां जित्तणगे, ठीक है, मुंडे जित्तणगे जां फिर कुड़ियां जित्तणगियां, ठीक है। इस दा आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन, मुंडे जां कुड़ियां जित्तणगे, यह बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आपां नूं आंसर जिहड़ा वह दिता गया है, ठीक है। जदों इस तरह का आपां नूं मैं तू अते ओह दित्ते होण तां आपां तू पहले यूज़ करते हैं, ठीक है, इस करके आंसर नहीं हो सकता अपना, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। रुख ते ऋषि की है, जो रुख ते ऋषि है यह एक की है, यह है कहानी, स्टोरी। इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, यह एक कहानी है जो रुख ते ऋषि है, स्टोरी है, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, कहानी। नैक्सट देखो, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन विच आपां नूं इस तरफ ने जिहड़े सूचीबंध दे विच दित्ते गए ने, जिवें आपां नूं सावें पत्तर ने जिहड़े इन्हां दे द्वारा कुछ लिखियां गए ने रचनावां ने, उह दित्तियां गईआं ने रचनावां,
ठीक है, यह की ने रचनावां और इन्हों दे रचनावां दे जो राइटर ने ठीक है लेखक ने वो आपां नूं इस तरफ दिते गए ने, इन्हां नूं आपस दे विच आपां ने मैच करना है। ठीक है, सब तो पहला आपां गल करदे हां उड़दे बाजा मगर। ठीक है, यह जो है इस दे लई आपां मैच करना है, यह जो रचना है किस दे द्वारा लिखी गई है, यह जो रचना है यह लिखी गई है अवतार सिंह पाश दे द्वारा। ठीक है, यह जो रचना है किस दे द्वारा लिखी गई है अवतार सिंह पाश दे द्वारा, यानी फस्ट है जिहड़ा अपना मैच हो रहा है, यानी ए है जिहड़ा फस्ट दे नाल मैच हो रहा है, यानी ए आंसर नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। ठीक है, उस तो बाद आटे दियां चिड़ियां, आटे दियां चिड़ियां जो ने यह लिखिया गई ने जगतार दे द्वारा। ठीक है, आटे दियां चिड़ियां नूं लिखा गया है जगतार दे द्वारा, यानी फस्ट तो बाद किहड़ा आएगा फोर्थ, यानी यह भी अपना आंसर नहीं हो सकता, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। बिरख अर्ज करे, बिरख अर्ज करे जो है यह रचना है सुरजीत पात्र की, और सावें पत्र जो है यह रचना है किसकी, प्रोफेसर मोहन सिंह की। ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इस आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन के आपां पूछा गया है गुरबाणी विच असां दी बार किस धुनी दे ते गायन करन दा आदेश है। ठीक है, गुरबाणी विच जो असां दी बार है किस धुनी दे ते गायन करन दा आदेश है, यह है टुंडे असराजे दी, इस आंसर है अपना टुंडे असराजे दी, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, इस आंसर है बी ऑप्शन। यह क्वेश्चन है जिहड़ा यह तुसीं खुद चैक कर लेना, क्योंकि जिहड़ा है इस दे विच बेसिकली जो चंडी दी बार है इसनूं काफ़ी डिटेल दे विच पढ़ना पएगा तुहानूं, इस क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करन दे लई काफ़ी अच्छे लैवल दा जिहड़ा क्वेश्चन है पाया गया है। ठीक है, चंडी दी वार है जिहड़ी पूरी तुहानूं पढ़नी पएगी। ठीक है, उस दे विच तुहानूं जिहड़ा इह क्वेश्चन है जिहड़ा कन्फर्म हो पाएगा। दुर्गा पाठ बनाया सब पौड़ियाँ, फेर ना जुनी आया जिन्हें यह गाया। ठीक है, तुसी अगर तुहानूं पता है तां तुसी कमेंट बॉक्स दे विच जिहड़ा इह आंसर जिहड़ा शेयर कर सकदे हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने चंडी दी वार नूं चंगी तरह पढ़िया है, ठीक है, तां तुसी इस क्वेश्चन आंसर जिहड़ा कमेंट बॉक्स दे विच टाइप कर सकदे हो। ठीक है, अगर तुहानूं 100% श्योर होवे तां ही तुहानूं टाइप करना है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी, 100% तुहानूं अगर इस क्वेश्चन आंसर श्योर है तां तुसी कमेंट करके दस सकदे हो, तुहाडा जिहड़ा कमेंट होएगा उह पिन कर दिता जाएगा साडी तरफ तों। ठीक है, इस तो इलावा साढ़े द्वारा ग्राम सेवक यानी पंचायत सैक्रटरी पोस्ट के लिए एक स्पैशल कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो कि तुहानूं साड़ी एप्लीकेशन के उपर अवेलेबल करवाया जाएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है पंजाब आई क्यू, पंजाब आई क्यू एप्लीकेशन तुहानूं इंस्टॉल करनी है इस कोर्स के लिए। ठीक है, यह जो कोर्स है इस दे विच तुहानूं की कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, इस दे विच तुहानूं कंप्लीट थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, इस दे नाल नाल तुहानूं प्रैक्टिस MCQs भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच तुहानूं वीडियो सोल्यूशन भी सारे MCQs दा नाल ही प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स के जिहड़े चार्जस ने वो रखे गए हैं 5000 rupees, 5000 rupees, बट तुहानूं 5000 rupees पे करने की जरूरत नहीं है, तुहानूं 2000 rupees यानी 2000 rupees का डिस्काउंट मिलेगा, और तुहाडे लई इस दे जो चार्जस पैणगे वह पैणगे 3000 rupees, 3000 rupees। तुहानूं इस कोर्स के 3000 rupees करने की जरूरत नहीं है, इस दे उपर तुहाने एक कूपन कोड अप्लाई करना जिसका नाम है MG500। जदों तुसी इस कूपन कोड नूं इस कोर्स के विच अप्लाई करोगे तुहानूं 500 rupees का एक्सट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और तुहानूं यह जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 2500 rupees दे विच अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जदों तुसी साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, यह जो एप्लीकेशन है तुसी प्ले स्टोर तो सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज़ तुसी इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक चैक करके भी तुसी इस एप्लीकेशन नूं इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यह जो कोर्स है यह 101% सिलेक्शन कोर्स होएगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपां कवर करांगे मैक्सिमम क्वेश्चन तुहानूं डायरेक्ट तुहाडे एग्जाम दे विच देखन नूं मिलणगे। ठीक है, बिल्कुल आपां एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कवर करांगे इस कोर्स दे विच। अगर तुहानूं कोई डाउट होवे इस कोर्स दे रिलेटेड तां तुसी इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकदे हो, इस दे उपर वट्सएप ते तुहाने मैसेज कर देना। ठीक है, एक घंटे दे विच विच साडी तरफ तो तुहानूं इस दे रिलेटेड जो भी इनक्वायरी होएगी तुहानूं प्रोवाइड कर दिता जाएगा साडी तरफ तो मैसेज। ठीक है, यह साडा है ऑफिशियल नंबर 7009868826। यह सी अपनी कंप्लीट जानकारी इस कोर्स के बारे, अगर कोई डाउट है तो तुसी इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। उस तो बाद जिहड़े 25 क्वेश्चन आपां जीके दे पुछे गए सी उन्हां नूं आपां कवर करन लगे हां हुण। ठीक है, इस दे विच सब तो पहला आपां नूं की पुछा गया सी, गुरु नानक्स फ्रेंड एंड कंपेनियन भाई मरदाना यूज्ड टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रबाब, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंसीडर्स इट एज इट्स नैशनल इंस्ट्रूमेंट।
बेसिकली आपां नूं पुछा गया है जो श्री गुरु नानक देव जी सी सिखिज़म दे विच फस्ट गुरु सी, ठीक है। इस दे विच आपां नूं पुछा गया इन्हां दा एक साथी सी, कंपेनियन सी, जिसका नाम की सी भाई मरदाना जी। दो सी बेसिकली, एक भाई मरदाना जी सी और एक सी भाई बाला जी, ठीक है। एक भाई बाला जी सी। आपां नूं की पुछा गया, आपां नूं पुछा गया श्री गुरु नानक देव जी दे जो साथी सी भाई मरदाना जी, इन्हां दे द्वारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता सी, प्ले किया जाता सी, रबाब। यह जो रबाब है किस देश के द्वारा अपना नैशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है? यह है देश अफगानिस्तान। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है इसकी जो राजधानी है वह अपने ध्यान में रखनी है, काबुल। काबुल और जो प्रेजिडेंट ने वह कौन ने? अशरफ घानी। अशरफ घानी यह ने प्रेजेंट टाइम पर प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। नैक्सट देखो 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन के बेसिकली आपको पूछा गया एक इंडस वाटर ट्रीटी है जी, वह साइन की गई सी इंडिया और पाकिस्तान के विचकार, ठीक है। इस दे विच बेसिकली आपने डिसाइड किया सी तीन रिवर का जिहड़ा पानी है वह इंडिया यानी पंजाब यूज करेगा, इंडिया का पंजाब, और जो बाकी होएगा बाकी तीन रिवर्स होंगे वह पाकिस्तान यूज करेगा। कहने का मतलब यह है जो रिवर्स ने ये तीन रिवर्स ने जिहड़ियां इन्हां दा पानी है जिहड़ा इंडिया यूज करेगा और तीन रिवर्स का जिहड़ा पानी है वह पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। इस दे विच आपां नूं की पुछा गया इंडिया का जो है वह आपने फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द करैक्ट ग्रुप ऑफ रिवर्स, यानी जिहड़ियां ईस्टर्न रिवर्स ने जिहड़ियां इंडिया नूं दित्तियां गईयां ने वह आपने फाइंड करनियां ने, किहड़ियां किहड़ियां रिवर्स ने जिहड़ियां वह इंडिया नूं मिलियां सी, ठीक है। पाकिस्तान रिस्ट्रिक्टेड इंडियाज़ राइट टू यूजेज टू ओनली थ्री ईस्टर्न रिवर्स, वह आपने फाइंड करनिया ने, ठीक है। इस दे विच बेसिकली आपने ध्यान में रखना है जो इंडिया के द्वारा, ठीक है, मैं तुहानू दोनों ही कन्फर्म कर देना, ठीक है। एक है इंडिया, एक है पाकिस्तान, ठीक है। बेसिकली छे नदियां थी जिन्होंने जिन्हों का जिहड़ा पानी है वह वंडिया गया सी आपस दे विच, ठीक है। जो इंडिया के द्वारा रिवर्स का पानी है जिहड़ा यूज़ किया जाता सी वह किहड़ी सी? सतलुज, ठीक है, ब्यास और रावी। यह तीन नदियां सी जिन्हों का पानी है जिहड़ा पंजाब यूज़ करेगा यानी इंडिया यूज़ करेगा, ठीक है। और जो पाकिस्तान वाली नदियां ने वह कि ने? एक है इंडस, एक है चनाब, एक है जेलम। यह जो ने नदियां यह पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। यह अपने ध्यान में रखना है छे नदियां का पानी सी जिस दे विच तीन नदियां इंडिया के हिस्से आ गई सी, तीन नदियां जिहड़ियां सी वह पाकिस्तान के हिस्से दे विच आ गई सी जिस दे विच इंडस, चनाब और जेलम सी, और जो इंडिया के हिस्से आ गई सी सतलुज, ब्यास और रावी सी। यह सी इंडस वाटर ट्रीटी, यह आपने याद रखना है। यह सी छे नदियों का बंटवारा, ठीक है। इसका याद रखना आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार यह पूछा जाता है और कई बार आपां नूं यह पूछा जाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम दे विच पंजाब दे प्रीवियस दे विच पूछे जा चुके हैं, ठीक है जी। नैक्सट देखो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दे विच पूछा गया है वाई इज़ 1716 AD इंपोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब के इतिहास के विच जो 1716 AD है यह किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह जो महत्वपूर्ण है किस चीज़ के लिए है? क्योंकि इस दिन बंदा सिंह बहादुर की डैथ हुई सी, ठीक है। इसनों मारा गया सी फारूक शियार के द्वारा, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, किलिंग ऑफ बंदा सिंह बहादुर। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन। इस तो अलावा अपन एग्जाम के क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो बंदा सिंह बहादुर ने इन्हों के पुत्र का नाम पूछा जाता है, तो अपने याद रखना अजय सिंह, ठीक है। अजय सिंह जो ने यह पुत्र ने बंदा सिंह बहादुर के, ठीक है। यह भी अपने ध्यान में रखना है। नैक्सट देखो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच पूछा गया आपां नूं विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डिवेलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेफीन इलैक्ट्रॉनिक पेपर, यानी किहड़ा देश है जिस दे द्वारा विश्व का पहला ग्रेफीन इलैक्ट्रॉनिक पेपर नूं डिवेलप किया गया, उस देश का नाम की है? उस देश का नाम है चाइना। बेसिकली ये जिहड़ा पेपर है 2016 दे विच कंडक्ट होया सी, इस करके जिहड़े इस दे विच करंट अफेयर्स दे जिहड़े क्वेश्चन सी ओह वी 2016 वाले ही पुछे गए सी, इस करके ये आपां नूं याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन चाइना, क्योंकि जो हूँ 2022 के पेपर होएगा तो ओबियसली जोड़े करंट अफेयर्स होंगे लास्ट 6 महीनों के ही पूछे जाएंगे, ठीक है। इस करके आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। नैक्सट देखो 30 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलिंग इज़ द लोंगेस्ट माउंटेन रेंजेस। यह चार आपको माउंटेन रेंजेस दी गई ने, इस सब तो जी लंबी दिती गई है उसका नाम आपको क्वेश्चन पूछा गया वह है एंडीज़। एंडीज़ जो है यह है साउथ अमेरिका के, ठीक है, साउथ अमेरिका दे विच लोकेटेड है, साउथ अमेरिका कॉन्टीनेंट दे विच, ठीक है। और यह लोंगेस्ट माउंटेन रेंज है, इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन एंडिस।
नेक्स्ट देखो 31 नंबर क्वेश्चन, द लेक हैज एन एवरेज डेप्थ ऑफ 730 मीटर एंड इज 1741 एट द डीपेस्ट पॉइंट विच मेक्स इट द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द लेक। बेसिकली सब तो जो डीपेस्ट लेक है पूरे विश्व के डूंगी लेक है उसका नाम आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 730 मीटर है और डीपेस्ट पॉइंट है जोड़ा वह कि है 1741। ठीक है, डीपेस्ट पॉइंट है यह जो लेक है इसका नाम की है, इसका नाम है बैकल लेक ऑफ रशिया, बैकल लेक ऑफ रशिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वुड यू फाइंड डेल्टा रैकन फ्लड वैरियर, यानी केड़ा देश है जिस दे विच आपको यह फ्लड वैरियर है जो देखने को मिलता है। ठीक है, इसका नाम की है डेल्टा रैकन। यह जो फ्लड वैरियर है किस देश के देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है नीदरलैंड के। इस आंसर बनेगा अपना द नीदरलैंड्स। नेक्स्ट देखो 33 नंबर क्वेश्चन, एक थिएटर फॉर्म है जिसका नाम है अंकिया नाट, यह किस स्टेट को बिलोंग करता है। जो अंकिया नाट है यह एक थिएटर फॉर्म है, किस स्टेट के जोड़ा है परफॉर्म किया जाता है, यह परफॉर्म किया जाता है असाम के। इसका आंसर है अपना असाम। असाम के जो अंकिया नाट है इसको परफॉर्म किया जाता है, यह एक थिएटर फॉर्म है। इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन असाम। नेक्स्ट देखो 34 नंबर क्वेश्चन, 34th 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपको सोन सागर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस स्टेट एट द हाइट ऑफ 1166 मीटर, आइडेंटिफाई द स्टेट, यानी एक हाईएस्ट पीक है सोन सागर। सोन सागर जो है यह एक हाईएस्ट पीक है, सब तो उच्ची चोटी है, किस स्टेट के विच पूछा गया और इसकी हाइट दी गई है 1166 मीटर। ठीक है, यह पूछा गया है किस स्टेट के लोकेटड है, यह लोकेटड है गोवा के। इस आंसर है बी ऑप्शन गोवा। नेक्स्ट देखो 35 नंबर क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज शिल्पग्राम क्राफ्ट्स मेला हैल्ड, यानी कि स्टेट के राज के शिल्पग्राम क्राफ्ट्स मेला जोड़ा वह हों है, यह पूछा गया आपको। यह जो मेला है यह राजस्थान के जोड़ा हों मेला। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन राजस्थान। नेक्स्ट देखो 36 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑन हुज नेम द पन्नागढ़ एयरफोर्स बेस ऑफ बेंगाल इज रीनेम्ड, यानी अपने उस फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ का नाम है जोड़ा वह फाइंड करना है। ठीक है, जिन्हों के नाम के उपर जो पन्नागढ़ एयरबेस एयरफोर्स बेस है जोड़ा बेंगाल के इसको रीनेम किया गया। ठीक है, आपको पूछा गया है यह इंडियन एयरफोर्स चीफ ने उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है अर्जन सिंह। ए ऑप्शन अर्जन सिंह ने जोड़े इन्ह के नाम के उपर पन्नागढ़ एयरफोर्स बेस का नाम है जोड़ा रीनेम किया गया। यह भी क्वेश्चन जोड़ा करंट अफेयर्स पूछा गया, आंसर बनेगा ए ऑप्शन अर्जन सिंह। विच यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला ऑफ बेंगाल इन रिस्पोंस टू अ सपोज्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप एट नलंदा। बेसिकली जो नलंदा है इस दी जिहड़ी इस दे द्वारा सपोज किया गया सी जिहड़ी क्वालिटी ऑफ स्कॉलरशिप है इस दे विच डिक्लाइन देखने को मिलिया, डिक्रीज देखने को मिलिया, इस करके इस किंग ने धर्मपाल ने इस दे द्वारा एक होर यूनिवर्सिटी जिहड़ी इसनों एस्टैब्लिश किया। इस यूनिवर्सिटी का नाम की है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के भागलपुर के बेसिकली यह। इस आंसर है अपना डी ऑप्शन विक्रमशिला बिहार। नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर के पूछा गया आपको विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, यानी इंडिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है जोड़ा वह नाम पूछा गया। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व का नाम की है, इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इस आंसर है डी ऑप्शन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 के बनया 1986 के तमिलनाडु के तमिलनाडु के लोकेटड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यह है इंडिया का पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, डी ऑप्शन नीलगिरी। नेक्स्ट देखो इन्हों दे विच्चों किस परसन नूं जिहड़ा सरस्वती सम्मान है यह नहीं दिता गया। ठीक है, इस दे विच्च तीन नूं दिता गया, एक नूं नहीं दिता गया, उसका नाम की है। ठीक है, हरभजन सिंह नूं दिता गया, किस नूं नहीं दिता गया, दिलीप कौटिवाल नूं दिता गया है, सुरजीत पात्र नूं दिता गया, बट गुरदयाल सिंह नूं नहीं दिता गया। जो गुरदयाल सिंह ने इन्हां नूं एक अलग तो एक अवार्ड दिता गया है जिसनूं आपां जनन पिठ अवार्ड भी बोलते हैं, ज्ञानपिठ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी जिहड़ी वैबसाइट्स हैं उस दे विच तुहानूं ज्ञानपिठ दिखाएगा जां फिर आपां जनन पिठ भी इसनूं बोल सकते हैं। इन्हां नूं पंजाबी भाषा दे लई दिता गया सी गुरदयाल सिंह नूं जनन पिठ अवार्ड, बट इन्हां नूं सरस्वती सम्मान जिहड़ा वह नहीं दिता गया। इस आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बचित्र नाटक जो है इसनूं किस दे द्वारा लिखा गया,
ठीक है। यह जो बचित्र नाटक है, यह जो राइटिंग है, इसनों किस दे द्वारा लिखा गया? इसनों लिखा गया 10th गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। इस आंसर है अपना बी ऑप्शन, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट देखो, जपो जी इज रिटन इन विच राग? जपो जी जो है इसनों किस राग दे विच जिहड़ा लिखा गया? जो जपो जी है इसनों आपने लिखा होया है, यानी इसनों जपो जी नूं जो लिखा गया है वह लिखा गया है असा राग दे विच, ठीक है। राग असा बोलते हैं इसनों आपां, ठीक है, राग असा। इस दे विच इसनों लिखा गया है राग असा, जो कि आपां नूं किसी भी ऑप्शन दे विच नहीं दिता गया, राग असा, ठीक है, किसी भी ऑप्शन दे विच नहीं दिता गया। तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज डे ऑप्शन, राग असा दे विच जपो जी जो है इसनों लिखा गया। आंसर बनेगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज आर करैक्ट। नेक्स्ट देखो, दुल्ला पट्टी जो है यह जो सोंग है यह किस फैसटिवल के नाल, किस त्यौहार के नाल जिहड़ा यह रिलेटड है, ये आपां नूं पुछा गया। तुहाने सुनिया भी होएगा दुल्ला पट्टी वाला, ठीक है। यह है सोंग लोहड़ी का, यानी पंजाब दे विच जो लोहड़ी मनाई जाती है, ठीक है, उस दे रिलेटड अपने पंजाब दे विच जिहड़ा है एक सोंग गाया जाता है दुल्ला पट्टी वाला, ठीक है। यह है रिलेटड किस दे नाल, लोहड़ी दे नाल, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, सोंग्स ऑफ लोहड़ी। नेक्स्ट देखो, महान कोश, जो महान कोश है यह एक पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया है, इसनों किस दे द्वारा लिखा गया? पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया जिसका नाम है महान कोश, इसनों किस दे द्वारा लिखा गया? इसनों लिखा गया है भाई कान सिंह नाभा दे द्वारा, भाई कान सिंह नाभा दे द्वारा लिखा गया है महान कोश पंजाबी इंसाइक्लोपीडिया। आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, भाई कान सिंह नाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया आपां नूं ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट यह सक्सैसफुली इंप्लीमेंट किया गया है किस जिले दे विच किया गया? यह जो इंप्लीमेंट किया गया है सक्सैसफुली, ठीक है, यह सक्सैसफुली इंप्लीमेंट किया गया सी शहीद भगत सिंह नगर दे विच और कपूरथला दे विच, ठीक है। इस दे विच कपूरथला आपां नूं ऑप्शन दे विच नहीं दिता गया, तां आंसर अपना शहीद भगत सिंह नगर बन जाएगा। एक कपूरथला दे विच भी किया गया सी, ठीक है, इकट्ठे किया गया सी। तां आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, शहीद भगत सिंह नगर। नेक्स्ट देखो, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज इलैक्टड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब रियासती प्रजा मंडल? एक ऑर्गनाइजेशन है जिसका नाम है पंजाब रियासती प्रजा मंडल, इस जेडे प्रेजिडेंट इलैक्ट हुए से उन्होंने नाम पूछा गया, इस जेडे प्रेजिडेंट इलैक्ट हुए से उन्होंने नाम आपू दिता गया है डी ऑप्शन के सेवा सिंह ठिकरी वाला। जो सेवा सिंह ठिकरी वाला ने इन्हों प्रेजिडेंट इलैक्ट किया गया से पंजाब रियासती प्रजा मंडल के। आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, और इस दे विच बेसिकली जनरल सैक्रटरी भी बने से एक परसन, जनरल सैक्रटरी इस पंजाब रियासी प्रजा मंडल के, उन्होंने नाम है भगवान सिंह लौंगोवाल। सैक्रटरी यानी जनरल सैक्रटरी कौन बने से? भगवान सिंह लौंगोवाल बने से, बट जो पंजाब रियासी प्रजा मंडल है जो प्रेजिडेंट इलैक्ट हुए थे वह बने से सेवा सिंह ठिकरी वाला। आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया आपां नूं पंजाब की जिहड़ी पहली नोटिफाई की गई सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम की है? उसका नाम पूछा गया आपां नूं, इसका नाम है वीर ऐशवान। वीर ऐशवान जो है यह पूछा गया सी रीसेंटली, कलर्क का एग्जाम हुआ सी, कित्थे है ये? संगरूर दे विच, ठीक है, अकाउंट्स कलर्क दे विच पूछा गया सी आई थिंक, ठीक है, अकाउंट्स कलर्क दे विच ये क्वेश्चन है जिहड़ा रीसेंटली पूछा गया, यह संगरूर दे विच लोकेटेड है, ठीक है। इसका आंसर है अपना बी ऑप्शन, वीर ऐशवान। कदों बनी सी 1952 दे विच बनी सी, 1952 दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 47 नंबर क्वेश्चन, वट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द हाईएसट पीक इन नैना देवी रेंज विच इज़ लोकेटड इन रूपनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब? पंजाब के रूपनगर जिले के जो नैना देवी रेंज लोकेटड है, ठीक है, इसकी जो हाईएसट पीक है उसकी आपां नूं टोटल हाइट पूछा गया, उसकी जो हाइट है वह है 1020 मीटर, यानी बी ऑप्शन 1020 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट एनिमल है जिहड़ा पंजाब का किहड़ा है? तुहानूं सब नूं पता ही होएगा, ठीक है, पंजाब का ब्लैक बक यानी काला हिरन, ठीक है, ब्लैक बक काला हिरन जो है यह है पंजाब का, ठीक है, स्टेट एनिमल। इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, ब्लैक बक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर क्वेश्चन में आपां नूं पूछा गया है हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ईस्ट पंजाब वर ग्रुप्ड टुगैदर, यानी जो बेसिकली पैप्सू बनाई गई सी, ठीक है, इस दे विच किन्नियां प्रिंसली स्टेट सी जिन्हां नूं कंबाइन करके एक पैप्सू ग्रुप बनाया गया सी? इसकी फुल फॉर्म दिती गई है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इस दे विच टोटल किन्नियां स्टेट्स नूं शामिल किया गया सी? तां उह किया गया सी 8 नूं। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 8, किहड़ियां-किहड़ियां सी ये भी तुसीं ध्यान विच रख सकते हो, ठीक है, इत्थे मैं तुहाडे लई जिहड़ा लिख दिंदा, किहड़ियां-किहड़ियां सी, पटियाला सी, नाभा सी, जींद सी, ठीक है, जींद तो बाद मलेरकोटला हो गया, ठीक है, मलेरकोटला, उस तो बाद कपूरथला हो गया,
कपूरथला, कलशिया, कलशिया, नालागढ़ हो गया एक, नालागढ़, और एक हो गया फरीदकोट, फरीदकोट। ये अठ जिहड़ियां ने प्रिंसली स्टेट सी, इज़ द पार्ट सी इस पैप्सू का, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इज़ द हेडक्वार्टर पटियाला दे विच ही सी। ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 8। अठ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के पूछा गया अपन, टू विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग्स इज द ग्रेट आर्किटेक्ट मोश सैफदी एसोसिएटेड। बेसिकली एक परसन है मोशे सैफदी, यह किस बिल्डिंग दे आर्किटेक्चर ने, ठीक है, यह किस बिल्डिंग के नाल एसोसिएट ने, यह पूछा गया अपन। बेसिकली इन्हों के द्वारा जो विरासत ए खालसा म्यूजियम लोकेटेड है पंजाब के, ठीक है, इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है इसनों आर्किटेक्ट किया गया कि इसके द्वारा, यह किया गया मोशे सैफदी के द्वारा। इस क्वेश्चन आंसर कह अपना यह ऑप्शन विरासत ए खालसा म्यूजियम, इस जे वास्तुकार ने आर्किटेक्चर ने उन्हें मोशे सैफदी, इस आंसर है अपना ए ऑप्शन। यह सी 25 क्वेश्चन जो इस पेपर के जीके के पूछे गए थे। ठीक है, सारे अपने कवर कर ले, 25 के 25 क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट आप कवर करते हैं हम 50 जोड़े क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग तो पूछे गए थे, उन्होंने भी आप कवर कर लें। इस दे विच सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं एक सीरीज़ तो दिता गया सी। ठीक है, इस सीरीज़ दे विच आपां नूं पुछा गया इन्हां दे विचों किहड़ा नंबर है जो कि इस सीरीज़ दे विच आ सकता है। ठीक है, कितें भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि नाल ही आवे, ठीक है, अलग भी आ सकता है, अगे भी काफ़ी जिहड़ा है जोड़ जोड़ के, जिवें इहदे विच आपां ने किन्ना ऐड करता, 7 ऐड करता। ठीक है, इहदे विच किन्ना ऐड करता, 7, अगेन ऐड करता, इहदे विच किन्ना ऐड करता, 7 करता, इहदे विच किन्ना ऐड करता, 7 ऐड करता। ठीक है, इसे तरह आपां इहदे विच ऐड कर देंगे, 7 45 आ जाऊगा, 45 तो बाद 52 आ जाऊगा, 52 तो बाद 59 आ जाऊगा, इस तरह यह सीरीज चलती रहेगी। तो आपां नूं की पूछा गया है इस दे विच, इन्हां दे विचों किहड़ा ऑप्शन है जिहड़ा इहदे विच आ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप किमें कर सकते हैं, जिम्मे आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, बाय ऑप्शन किमें करेंगे, बेसिकली आप करेंगे जो आप 346 दिता गया, सब तो पहले आप 346 चकते हैं। ठीक है, 346 के अगर आप 38 माइनस कर दीए, ठीक है, 38 माइनस करा तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को, 308 आ गई। और आपको यह भी पता है आप किन्ने किन्ने ऐड कर रहे हैं, 7-7 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो आप इस 17 के जिमें मान लो 17 के 10 घटाता तो कि आ गया 7, जो 7 है वो कि मल्टीपल है 7 का, यानी 7 ना आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह 24 के अपने 17 घटाया कि आ गया 7, तो यह भी 7 ना आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप डिवाइड करके देखेंगे 7 के, 7 चौके कि 28 होंगे, कि बच गया 2, फिर 8 आ गया अपने को, 7 चौके फिर 28 कट जूगा, यानी यह 7 ना पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, यानी पहला ही अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन के देखोगे आंसर नहीं बनेगा, जिमें कोई भी ऑप्शन लगा लो तुम। ठीक है, जिमें अपना इतने 38 है, या आप ये मान लिया 436 अपना, ठीक है, 436 के माइनस करेंगे आप 38, तो अपने को वैल्यू कितनी आ गई, इतने आ जाएगी 398। ठीक है, 398 जिहड़ा यह 7 ना डिवाइड नहीं हो सकता, तो इस करके यह भी अपना आंसर नहीं हो सकता। बाकी तीनों तुम जो ऑप्शन ने चैक कर सकते हो, बाकी इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे ने अपने वो बाय ऑप्शन ही करने होंगे ने। इस आंसर है ऑप्शन 346। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर क्वेश्चन। एक सीरीज दिती गई है, इस सीरीज़ के जो नंबर आपको रोंग दिता गया है, जो गलत नंबर आपको दिता गया है इस सीरीज़ के, वह आपने इस सीरीज़ के फाइंड करना है। किवें करांगे, देखो सब तो पहला इस अगर आप ऐड करिए ये लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं आप। ठीक है, इतने अपने को 4 तो किन्ने तक इनक्रीज़ किया गया है, 6, इतने किन्ना इनक्रीज़ करता, 12 इनक्रीज़ करता, इतने किन्ना इनक्रीज़ करता, इतने आपने इनक्रीज़ करता 24। ठीक है, इतने कितना करता, 50 करता, यानी एक आपां नूं गल समझ आ रही है इतों, 4 10 22 आ गया, उस बाद 46, उस बाद 96 190, उस बाद 382। अगर आप इनू 4 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर दिए तो अपने को वैल्यू 10 आ जूगी। ठीक है, इस तरह आप ये करेंगे, 10 गुना 2 प्लस 2 किया 22 आ गया, 22 गुना 2 किया प्लस 2 किया 22 गुना 44 तो 240 हो गया, 46 दुना 92 प्लस 2 करा 94 आना चाहिए, इतने 94 आना चाहिए, बट इतने कितना दे रखे, 96 दे रखे, तो आंसर यही बन जाएगा अपना, 96 है जो 96 दिता गया अपन, यह रोंग दिता गया इस सीरीज़ के, आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा अपना 96। जिमें 94 में आप दो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 8 2 9 18 188। ठीक है, प्लस 2 करेंगे तो 190 आ गया, जो कि आपको सीरीज़ के दिता गया है नेक्स्ट नंबर, यानी अपना कहने का मतलब कि आंसर कितना बनेगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन 96, जो कि रोंग नंबर दिता गया, इसकी जगह पर 94 आना चाहिए सी। ठीक है, आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच आपां नूं जिहड़े पेयर ने इन्हां नूं मैच किया हो, इस दे विच जिहड़ा ओड पेयर वर्ड है वह आपां ने फाइंड करना इन्हां दे विचों। ठीक है,
इस अगर आप देखिए कि अपना ऑप्शन होएगा इस एटम इलैक्ट्रॉन कर्ड मिल्क हाउस रूम और ट्रेन इंजन ठीक है। बेसिकली जो सैकेंड है वो पार्ट है फर्स्ट का, जिमें एटम का पार्ट हो गया इलैक्ट्रॉन ठीक है, उस तो बाद हाउस का पार्ट हो गया रूम, ट्रेन का पार्ट हो गया इंजन ठीक है, बाकी जो अपना कर्ड और मिल्क है इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, यानी जो मिल्क है कर्ड का पार्ट नहीं होंगे, तो आंसर इस क्वेश्चन ही बन जूगा बी ऑप्शन, कर्ड मिल्क है जोड़ा आप रोंग दिता गया तो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 54th नंबर क्वेश्चन, इस आपको एक जो नंबर्स ने दिए गए हैं इन्हों जो ओड पेयर है वो आपने फाइंड करना है ठीक है। इस आपने सब तो पहला देखना है अपना लॉजिक की लगाया गया, 15 गुणा आपने 3 किया और एक ऐड करता तो कि आ गया 46, ये बन गया अपना 15 और 46 नंबर ठीक है। इस तरह ये आपने की किया, ये आपने 12 गुणा 3 किया और प्लस करता एक तो अपने को बन गया 37, यानी अपना नंबर बन गया यानी पेयर बन गया अपना 12 और 37 ठीक है। इस तरह आप इतने देखिए अगर आप 8 गुणा आपने 3 किया ठीक है, इतने प्लस करा एक तो कि आ गया 8 से 24 प्लस 21, 24 तो प्लस 1 25 आ गया ठीक है, यानी इतने की बनना चाहिए सी 8 और 25 बनना चाहिए सी, जो कि आपको रोंग दिता गया तो आंसर यही बन जूगा अपना ठीक है। ये भी चेक कर लें, 9 गुणा 3 प्लस 1 यानी कि आ गया 28, तो 9 तो 28 का पेयर बन गया ठीक है। ये पेयर रोंग पूछा गया ठीक है, ओड पेयर पूछा गया तो आंसर यही बन जूगा यदा सी ऑप्शन 8 और 33, 8 और 33। नैक्सट क्वेश्चन देखो 55th, इस दे विच आपां नूं एक पजल टाइप क्वेश्चन दिता गया है, 8 लोग ने ए तो लैके एच तक एक राउंड टेबल दे जिहड़े ने आले दुआले बैठे ने ठीक है, जिहड़े 8 परसन ने सेम ऑर्डर दे विच बैठे ने, सब तो पहला आपां नूं इह कहा गया और इक्वल डिस्टेंस दे बैठे ने, सब तो पहला आपां 8 परसन जिहड़े ने उहनां नूं क्रिएट करदे हां ठीक है, 8 परसन आपां क्रिएट करदे हां इहनां नूं, इह अपने कोल 8 परसन हो गए ठीक है, यह 8 परसन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उस तो बाद किया गया अपन जोड़े ने कलोक वाइज, यानी जिम्मे हूँ अपना मान लो ये 12 है, इतों बाद की आएगा 1 आएगा, इतों 2, यह अपना की हो गया, इस डायरेक्शन आप बोलते हैं कलोक वाइज बोलते हैं ठीक है। जो आप इस तरह चल रहे हैं तो कलोक वाइज चल रहे हैं, जो आप इस तो उल्ट चलते हैं यानी 2 तो आप 1 जावे 1 तो 12, 12 तो 11, यह की होगा एंटी कलोक ठीक है। इस दे विच की किया गया अपन, इफ जी सिट्स इन नॉर्थ, हूँ आप पता है नॉर्थ कि है, यह वाला पासा जोड़ा है नॉर्थ के विच है ठीक है, यह जो जी है कितने बैठा है नॉर्थ के जी ने इतने बैठा था ठीक है। उस तो बाद आपने इन्हों अरेज करना है इस ऑर्डर के सेम ऑर्डर के, अगर जी इतने आ रहा है तो अपने को लास्ट के किड़ा डिजिट बजता है एच, तो एच इतने आ जाएगा ठीक है, इतों आप ए स्टार्ट कर देंगे, इतने बी आ जूगा, इतने सी आ जूगा, इतने डी आ जूगा, इतने ई आ जूगा, इतने एफ आ जूगा ठीक है। उस तो बाद अपन की पूछा गया है दैन वट विल बी द पोजिशन ऑफ डी, डी की जी पोजिशन है वो कि है, तो आप इतने एक जी है डायरेक्शन बना रहे हैं थोड़े लिए, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है ईस्ट, यह है वैसट ठीक है। यह आप देख सकते हैं यह कि डायरेक्शन बन रही है, साउथ वैसट बन रही है, तो इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया अपना साउथ वैसट बन गया ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर कि अपना डी ऑप्शन साउथ वैसट डी ऑप्शन। आई होप तुहानूं इह क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, बस अपने सिर्फ जी नूं सैट किया, बाकी अपने सारे के सारे अपने ऑटोमैटिकली सैट हो गए जिहड़े परसन इस सर्कल दे आले दुआले बैठे से राउंड टेबल दे आले दुआले, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इस 56 नंबर क्वेश्चन विच एक वर्ड दिता गया है ऑर्गनाइजेशन, इस दे विच केड़ा वर्ड है जिहड़ा आपां क्रिएट नहीं कर सकते ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्मड, इसनों आप फॉर्म नहीं कर सकते, इन्हों के विचों केड़ा ऑप्शन है वो है सोल्यूशन, क्योंकि ऑर्गनाइजेशन के विच किते भी आपां नूं एल नहीं दिख रहा, इस दे विच आपने एल यूज़ किया सोल्यूशन के विच, तो यही की हो गया अपना ऑड हो गया ठीक है, यानी यह जो है इसनों आप इस ऑर्गनाइजेशन को क्रिएट नहीं कर सकते ठीक है। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन सोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 57th, 57 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा, इस दे विच आपां नूं एक जी नंबर सीरीज दी गई है ठीक है, इसनों आपने देखना है और इस दे विच की पूछा गया आपां नूं, विच इज़ द थर्ड नंबर टू द लैफ्ट ऑफ द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द नंबर, बेसिकली जो नंबर दिए गए हैं इन्हों को अपन काउंट करना पड़ेगा, तो ही आप मिडल का जो नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। किमें करा, देखो काउंट करो, सब तो पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गए ठीक है, यानी आप 13वां नंबर है जोड़ा वो फाइंड करना सब तो पहला, तो क्योंकि 12 आप इधरों छड़ा 12 इधरों छड़ देंगे, 42 वाला नंबर आ जाएगा ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है, 12 तक छड़ते अपने रिलेवेंट नंबर कि बच गया 6, यह कि नंबर है 13th नंबर है, 13वां नंबर है ठीक है।
अपन की क्या गया है, विच इज अ थर्ड नंबर टू द लेफ्ट, इस तो थर्ड लेफ्ट केड़ा है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यानी इस क्वेश्चन आंसर केड़ा बन गया, एट बन गया। ठीक है, एट है जेड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अपन इस 13वें प्लेस तो थर्ड लेफ्ट पूछा सी तो अपने एट फाइंड कर लिया। ठीक है, इस आंसर है अपना डी ऑप्शन एट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58th, इस दे विच अपन क्या गया है, अगर आप रिवर्स कर दिए वूमेन्स की एज नूं तां जिहड़ी फिगर ऑबटेन होंदी है उसके हसबेंड की जिहड़ी एज है वह अपन मिलती है। ठीक है, काफ़ी वधिया लैवल का क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। इस दे विच सब तो पहला आप लिखते हैं हसबेंड, इतने आ जाएगा वाइफ। ठीक है, वाइफ, अगर आप वाइफ की एज नूं मान लीए एक्स वाई, ठीक है, तां ही आप रिवर्स कर पावांगे आपस दे विच। ठीक है, वूमेन की एज है जी रिवर्स है। ठीक है, अगर आप वूमेन की एज में रिवर्स कर दिए तो आप रिवर्स किमें करेंगे, वाई अगे आज एक्स पिछले चले जाएगा। ठीक है, वाई एक्स हो गया, हसबेंड की एज कि होगी वाई एक्स, वाइफ की कि एक्स वाई है। ठीक है, उस तो बाद क्या गया, अपना द फिगर सो ऑबटेन्ड रिप्रजेंट द हसबेंड एज, ये हसबेंड की एज होगी। इफ द हसबेंड इज सीनियर टू द वूमेन, यानी हसबेंड जो है यह सीनियर है किस तो, इस वाइफ तो, यानी कहना मतलब कि इसकी जी हसबेंड की एज है वह वड्डी है। ठीक है, ज़्यादा है इज एज कंपैरिजन टू वाइफ। ठीक है, और इन्हों जो डिफरेंस है एज का, ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर एजस इज 1/11 ऑफ देयर सम, यानी इन्हों की जो एज का सम है अगर आप 1/11 कढ़ीए तो इन्हों की डिफरेंस है जोड़ा वह बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये अपने बाय ऑप्शन करने की कोशिश करा इस क्वेश्चन भी आप। ठीक है, जिमें सब तो पहले अपने 42 ऑप्शन लिया। ठीक है, 42, ठीक है, इस अगर आप इस हसबेंड की एज दी गई है तो अपने यही फाइंड करनी है हसबेंड की एज, तो अपने कि मान ली 42, अगर आप इन्होंने रिवर्स कर देंगे तो इतने कि जुगा 24, चाहे आप 24 पहला इधर ले लिए जाए इधर ले लिए गल इको है। ठीक है, इधर अपने क्योंकि अपन ये भी पता है जो वाइफ की एज है वो छोटी है किस तो हसबेंड की। ठीक है, इस तो बाद अपने की किया रिवर्स करके इतने लिख लिया, अगर आप इन्हें गैप देखिए कि 18 का, ठीक है, 18 का गैप है। ठीक है, यह कि होना चाहिए है 1/11 इन दोनों के सम दे, इन्हों दोनों का सम कितना बन गया 4 × 2 = 6 और 4 × 2 = 6 आ गया 11 × 6 = 66, बट इधर कितना है 18, यानी यह जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल गलत है, यह अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, यह आप इरेज कर देने क्योंकि यह अपना ऑप्शन है जिहड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, उस तो बाद आप देखते हैं सैकेंड ऑप्शन अपना, सैकेंड ऑप्शन तो सेम आप लॉजिक लगा के देखते हैं, इतने है अपने को 45, हसबेंड की 45 मान लीए तो वाइफ की कितनी मननी पू अपन 54। अगर आप देखिए इस क्वेश्चन के इतने अपन जी वाइफ की एज है वह छोटी कहा गया है एज कंपैरिजन टू हसबेंड, बट इतने अपनी जी एज है वाइफ की यह ज़्यादा हो रही है तो यह भी अपना ऑप्शन कदम नहीं हो सकता। ठीक है, यही अपना ऑप्शन है जिहड़ा अपन फिल करके देखने की भी जरूरत नहीं है, यह अपना वैसे ही इलीमीनेट हो चुका है। ठीक है, हुण अपने कोल थर्ड ऑप्शन केड़ा बचता है, थर्ड अपने कोल ऑप्शन बचता है 52, अगर हसबेंड की एज आप 52 मान लीए तो इस वाइफ की एज कितनी मननी पेगी आपको 25। ठीक है, इस दे विच डिफरेंस देखिए आप अगर कितना है, इस दे विच डिफरेंस कितना है 27 का, 27 का, 27 किस दे इक्वल होगा 1/11 इन दोनों के सम दे, 5 × 2 = 7 हो गया। ठीक है, 5 × 2 = 7 गुणा 7 कर 7 5 × 2 = 7 5 × 2 = 7 7 आ गया अपने 77 आ गया, यानी 11 × 11 = 11 7 = 77। ठीक है, 11 × 7 = 77 इधर कितना है 27 इधर है 7, यह भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता, यह भी अपना इलीमीनेट हो चुका है। ठीक है, अपने लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, हूँ कि बचता है वो बचता है लास्ट वाला, वैसे अपन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने तीनों इलीमीनेट करते तो आंसर अपने एको बच गया, कि बच गया डी बच गया। ठीक है, आप डायरैक्ट भी ला सकते हैं, बाकी तुम्हें प्रूव करके भी मैं तुम्हें दिखा देना किमें करना है। ठीक है, यदि हसबेंड की 54 है तो यदि कितनी हो जाए 45। ठीक है, अगर आप इन्हों गैप चेक करिए कि 9 का, यह कि होगा 1/11 इन दोनों के सम दे, 5 × 4 = 9 5 × 4 = 9 99 आ गया 11 9 99, यानी 9 = 9 हो गया, बिल्कुल प्रूव हो चुका है, यानी इस क्वेश्चन आंसर कितना बनेगा अपना डी ऑप्शन बनेगा 54 ईयर्स। अगर उस समय किसी बच्चे ने पेपर दिता सी तां उस बच्चे ने जिस बच्चे ने सेंड किया तां सारे लगभग बच्चों ने इस क्वेश्चन छड्डिया सी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता सी, बट अगर जो साडे द्वारा तरीके तुहानूं दस्से जांदे ने जिस तरह तुहाने अगर तुसीं इन्हां तरीकों नूं अडोप्ट करदे हो अपने पेपर दे विच तां तुहाडा जिहड़ा पेपर दे विच क्वेश्चन है वह ज़्यादा तो ज़्यादा 50 to 60 सैकेंड लै सकदा, इस तो वध तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है वह टाइम नहीं लै सकता। ठीक है, इस करके आप जिहड़े कोर्स दे विच जिहड़े कंटेंट है बिल्कुल इस तरह का पा के आप रखते हैं ता कि तुहानूं जिहड़ा पेपर दे विच डायरैक्ट उसे लैवल के क्वेश्चन देखने को मिलना। ठीक है, बिल्कुल आप जिहड़ी कंटेंट का लैवल हुंदा है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहिंदा है अपने इस कोर्स का, इसलिए तुसीं जिहड़ा स्टूडेंट बाय करना चाहता वो जल्दी तो जल्दी तैयारी कर सकता है इस पेपर की। ठीक है,
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਫ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ 8th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ, 8th ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ, 7th ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਣੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਫਟ ਤੋਂ 9ਵਾਂ, 8ਵਾਂ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 7ਵਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 8 ਦੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15, 15 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਵਰਡ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15ਵਾਂ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੈਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 15ਵਾਂ, 15th। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗਏ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੈੱਡ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ, 15 'ਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟੇਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੋਇਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਵੋਇਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦੇਖੋ, ਏ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਹੈ ਜੋ, ਇਸਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਸਪੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਜੀ ਆਰ ਯੂ ਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਪੀਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਜੀ ਆਰ ਯੂ ਐਮ, ਯਾਨੀ 5 ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5 ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਛੱਡਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐੱਫ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਪੀ, ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਵੀ ਵੀ ਡਬਲ ਯੂ ਛੱਡਿਆ ਐਕਸ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆਊਗਾ, ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਐੱਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੇ ਕਿਊ ਐਕਸ ਸੀ ਐੱਫ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਛੱਡਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਜੂਗਾ, ਕਿਊ ਆਜੂਗਾ, ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਛੱਡਿਆ ਕੇ ਆਜੂਗਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਕੇ, ਕੇ ਐੱਲ ਐੱਮ, ਐੱਮ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਛੱਡਿਆ ਐੱਫ ਆਜੂਗਾ, ਕੇ ਕਿਊ ਐਕਸ ਸੀ ਔਰ ਐੱਫ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 61 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, 61 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਊਡ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਈ
आकाश के उड़नगे, ठीक है, आसमान के फ्लाई उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। स्काई आप बोलते हैं सी बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर सी बन जूगा, स्काई ना बन के सी बन जूगा, ठीक है। यह तो उन्हें ध्यान में रखना है, इतने वर्ड दिता गया है फ्लाई, ठीक है। इस करके ये की करते हैं उड़ते हैं, तो अपन स्काई पता लग गया, आसमान के उड़ते हैं, आसमान की बोलते हैं आप सी बोलते हैं, तो आंसर सी बन जूगा, ठीक है। आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी समुंदर। नैक्सट क्वेश्चन देखो 62 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच आपने पहला और दूजा तीजा चौथा पंजवा छेवा सारे जिहड़े लैटर्स ने इन्हां नूं आपां ने रिवर्स करना है, ठीक है, इंटरचेंज करना है बेसिकली, ठीक है। पहले दो, यह दो, यह दो, यह दो, यह दो, यह दो, ठीक है। और आपां नूं की पूछा गया, दैन विच वुड बी द फोर्थ लैटर फ्रॉम द राइट, राइट तो चौथा लैटर किहड़ा होएगा। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा ओ है वह पहला हो जाएगा, जिहड़ा एन है वह दूजा हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा टी है यह थर्ड हो जाएगा, और जिहड़ा आई है फोर्थ हो जाएगा। तो आपां नूं फोर्थ ही पूछा गया, तो आई इस क्वेश्चन आंसर बन गया, ठीक है। आपां नूं सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आपां इहदे ही जिहड़ा है आईडिया नाल क्वेश्चन जिहड़ा इसनूं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा बन गया अपना आई बन गया, ठीक है, डी ऑप्शन। आई होप तुहानूं इह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच कहा गया आपां नूं इफ ऑल द मल्टीपल ऑफ फोर बिटवीन 4 and 71 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली इस दे विच कहा गया आपां नूं 4 तो लैके 71 तक जो भी मल्टीपल ने 4 दे इन्हां नूं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर दे विच लिखना है, ठीक है। और आपां नूं कहा गया है जो 8th प्लेस ते आएगा टॉप तो वह केड़ा आएगा, ठीक है, यह आपां नूं पुछा गया। हुण आपां नूं पता है 71 है जिहड़ा यह एक 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इस तो नीचे केड़ा 4 का मल्टीपल हो सकता है, 68 होएगा, 68 तो बाद 64 होएगा, 60 आएगा उस तो बाद, ठीक है, फिर आएगा 56, 52 उस तो बाद आएगा अपना 52 तो बाद आएगा अपना 48, 48 तो बाद 44 और 44 तो बाद 42 आएगा, 40 आएगा, सॉरी 40, ठीक है। उस तो बाद 8वें प्लेस से पूछा गया टॉप तो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, यानी इस क्वेश्चन आंसर कितना बन गया अपना 40 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, सी ऑप्शन 40, क्योंकि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अरेंज करनी सी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के सब तो वड्डा 68 हो गया, उस बाद 64 इस तरह अरेंज करते गए, तो 40 अपने को 8वें प्लेस से आ गया जो कि पूछा गया से आपको, इसका आंसर बनेगा अपना 40। नैक्सट क्वेश्चन देखो 64 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच कहा गया है राजू जो है यह पुत्र है किसका, दीपक का। राजू जो है यह सन है किसका, दीपक का, तो अपने इतने बना लिया दीपक का पुत्र राजू, ठीक है। सीमा इज डॉटर ऑफ राजू, सीमा जो है यह डॉटर है किसकी, राजू दी, ठीक है, इतने डॉटर बनाता। छाया इज़ अ डॉटर ऑफ दिनेश, ठीक है, एंड दिनेश इज़ अ ब्रदर ऑफ दीपक, ठीक है, दिनेश का एक ब्रदर है किसका नाम है दीपक, ठीक है, इतने आई ना डिनोट करता, इतने अपने ई लिख लिया दीपक नूं डिनोट करने के लिए, ठीक है, ब्रदर हो गया। और छाया जो है इसकी डॉटर है, इतने यदि डॉटर बन गई छाया। और अपन की पूछा गया है छाया और सीमा के रिलेशन की है, इस छाया के विचकार और इस सीमा के विचकार रिलेशन की है। अगर आप देखिए इन्हां दे विच फैमिली ट्री अपने क्रिएट किया है, ठीक है, सेम लैवल नहीं है दोनों, तो कज़न नहीं हो सकता, नैफ्यू नहीं हो सकता, क्योंकि सेम लैवल नहीं है, यह दोनों हो सकते हैं बट इन्हों का सेम लैवल नहीं है, तो करके दोनों हो नहीं सकते। हुण आपां पता है, ठीक है, यह जो है दीपक का ब्रदर है कौन, दिनेश, ठीक है, दीपक की लड़की है, तो यह जो है दीपक की जो वाइफ होएगी, ठीक है, वह अलग होएगी और दिनेश की वाइफ अलग होएगी। इस करके आप कह सकते हैं जिहड़ा यह है मदर वाला रिलेशन भी अपना नहीं हो सकता, तो इस क्वेश्चन आंसर बनेगा आंट, ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन आंट, ठीक है, ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन में क्या गया आपको, सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, कुछ स्टूडेंट ने जो कि एक लाइन के खड़े ने, ठीक है, जो शेखर है 10th है, 10th प्लेस से है लैफ्ट तो, ठीक है, यानी जो शेखर है यह 10th प्लेस से खड़े है किस तो, लैफ्ट तो, ठीक है। और आलोक जो है यह 15th खड़े है राइट तो, इतने खड़े है आलोक कितों, राइट तो 15th, ठीक है। उस तो बाद क्या गया है, वैन दे इंटरचेंज, इन्होंने अपनी जी पोजिशन इसमें इंटरचेंज किया, और जोड़ा शेखर है वह इतने आ गया, और यह लैफ्ट तो किनवा हो गया 20th हो गया, तो अपन की पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया, तो अपने की करना है इन्होंने दोनों ऐड करना होंगे, 15 + 20 करना होंगे, माइनस करना होंगे एक, वह रीज़न की है दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है, तो करके 15 - 20 - 35 - 1 किया 34 आंसर आ गया अपना, ठीक है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 34 - 34 बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन के बी ई जी के आप इस तरह लिखते हैं, पी एस वी वाई आप किस तरह लिखा, बी तो पहला ए लैटर आ गया, ए तो ई तो पहला डी आ गया, यानी पहला पहला लैटर यूज़ किया गया, पी एस वाई यूज़ करना है, ठीक है, पी एस वी वाई,
पी तो पहला कौन सा लैटर आता है ओ, ठीक है, एस तो पहला कौन सा आता है आर, यानी ओ आर अपना आंसर होएगा। यह आंसर नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, इन दोनों के आंसर होएगा अपना, ठीक है। उस तो बाद यू आता है, यू तो बाद वी आता है, यानी ओ आ यू आ जूगा, यह भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर बनेगा ओ आर यू एक्स, ठीक है, वाई तो पहला एक्स आ गया, ओरुक्स ओ आर यू एक्स, इस क्वेश्चन आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 67 नंबर क्वेश्चन, 67th 67 नंबर क्वेश्चन में की किया गया अपन, यह क्वेश्चन जो बहुत ही वधिया लैवल का है, ठीक है। उस समय जिहड़े भी बच्चे ने पेपर दिता सी लगभग सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन छड़ के आए सी, ठीक है। इस दे विच आपां नूं क्या गया है, इस दे विच क्या गया है, वैन सुकंत वाज बॉर्न हिज फादर वाज 32 ईयरस ओल्डर दैन हिज ब्रदर। सब तो पहला आपां लिखांगे इत्थे सुकंत, ठीक है, यह है एक सुकंत, ठीक है। इसका जन्म होया मान लो इसकी एज कितनी है, जीरो, अज जन्म होया मान लो, ठीक है। इसके फादर की एज है जी वह कितनी है, ठीक है, इतने यदा फादर आ गया सुकंत का, और इतने इसका ब्रदर आ गया, ठीक है। अगर आप ब्रदर की एज में एक्स मान लीए तो जो फादर की एज है वह कितनी है, 32 साल ज़्यादा है, एक्स प्लस 32 आ जूगा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट क्या गया आपको, एंड हिज मदर वाज 25 ईयरस ओल्डर दैन हिज सिस्टर, यानी जो इसकी सिस्टर है, ठीक है, इसकी सिस्टर जो है, इसकी सिस्टर मान लो इसकी सिस्टर है एज वाई, तो फिर अपने को मदर जो है इसकी 25 साल वड्डी है किस तो, एज इस सिस्टर तो, यदी एज कितनी हो जूगी मदर की, वाई प्लस 25, ठीक है। उस तो बाद इफ सुकांश ब्रदर इज 6 ईयरस ओल्डर दैन हिम, ठीक है, यानी जो ब्रदर है इसका वह किन्ने साल का है, 6 साल वड्डा है किस तो, सुकंत तो, ठीक है, उसका जो ब्रदर है, तो आपको पता जो सुकंत का जन्म अज होया तो आपको पता लग गया जो इसका ब्रदर होएगा इसकी अज एज कितनी होगी, 6 साल, ठीक है, क्योंकि 6 साल बड़ा है वो, ठीक है। उस तो बाद हिज मदर इज 3 ईयर्स यंगर दैन हिज फादर, यानी जो इस सुकंत की जो मदर है यह 3 साल छोटी है किस तो, इस सुकंत के पिता तो, ठीक है, अपने हसबेंड तो, ठीक है। कहने का मतलब की है, इतने अपने को वाई प्लस 25 आप किस दिन रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स के रिप्लेस कर सकते हैं, किमें कर सकते हैं, इस दे विच अपने को क्या गया है 32, ठीक है, 3 साल छोटी है तो इस आप 29 ऐड कर देंगे, ठीक है, 29 ऐड करता अपने इतने, ठीक है। उस तो बाद एक्स की वैल्यू अपन पता है ऑलरेडी कितनी है, एक्स की वैल्यू 6 है, 6 प्लस 29 किया तक वैल्यू कितनी आ गई अपनी 35, मदर की एज कितनी आ गई 35 35, और इस फादर की एज कितनी आ गई 32 दे 6 38 38 आ गई। अपन की पूछा गया है हाउ ओल्ड वाज सुकंत सिस्टर वैन ही वाज बॉर्न, यानी जदों सुकंत बॉर्न होया सी तां उसकी सिस्टर की एज कितनी सी, ये अपन क्वेश्चन दे विच पूछा गया, ठीक है। हुण आपां नूं पता है वाई प्लस 25 की वैल्यू कितनी है, 35 है, ठीक है, वाई की वैल्यू पता करना है अपने, 35 माइनस किया अपने 25 तो आंसर आ गया 10, यानी 10 साल जो है इसकी सिस्टर की एज होगी, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, 10 साल यानी 10 ईयरस, ठीक है। नैक्सट देखो 68th इस दे विच आपां नूं दित्ते गए ने, इहदे विच आपां ने जिहड़े ने इहदे विच आपां ने ओड वन फाउंड करने ने, ठीक है। इस दे विच बेसिकली अगर आपां बैकवर्ड जाने या फिर फॉरवर्ड जाने तो मीनिंग है जिहड़ा इह मीनिंग दिंदे ने, जदों आपां बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड जाने इस दे विच जो आपां नूं मीनिंग नहीं दे रहा तो वह दे रहा आपां नूं रीड, ठीक है। इसका आंसर बनेगा, यह कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ होंगे ने, तो इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना आर ई ए डी, ए ऑप्शन रीड। नैक्सट देखो 69th इस दे विच डिफरेंट जिहड़ा ग्रुप है वह आपां ने फाइंड करना है, यानी पेयर है जिहड़ा नंबर ऑफ पेयर, ठीक है, वो डिफरेंट है इन्होंने वो अपने फाइंड करना है, ठीक है। इस दे विच आपां देखिए इसनों आपां किवें लिख सकते हैं, 7x8 लिख सकते हैं, इसनों आपां 7x9 लिख सकते हैं, ठीक है, इसनों आपां 5x8 लिख सकते हैं, ठीक है, इस 40 आपां 5x8 लिख सकते हैं, 5x8 इसनों 5x9 लिख सकते हैं, ठीक है, इसनों आपां किवें लिख सकते हैं, 12x8 लिख सकते हैं, ठीक है, 12x9 108 होंगे, 12x9 लिख सकते हैं, इसनों आपां किवें लिख सकते हैं, 10x8 लिख सकते हैं, 80 लिखा, और 10x9 करा 90 आऊगा, बट इतने 98 दे रखे, तो आंसर यही बन जूगा 80 98, यह इस ग्रुप के की है ओल्ड वन पेयर आपको दिता गया, तो आंसर कि बनेगा डी ऑप्शन बनेगा 80 और 98। नैक्सट देखो 70 नंबर क्वेश्चन, इस जो एससी डाइस आप इस तरह कोड करते हैं, ठीक है, और बॉयल आप इस तरह कोड करते हैं, डायल में पूछा गया किस तरह लिखा, ठीक है। इस अगर आप डी का कोड देखिए, डी का कोड ये 7 है, ठीक है, और तो आप 7 कोड यूज करेंगे सब तो पहला डी का, तो 7 आ जूगा, ठीक है। उस तो बाद आई का कोड किहड़ा यूज़ किया गया, बॉयल, बॉयल आप किवें लिख सकते हैं 1826, तो यह कितना आ जूगा 2 आ जूगा, 72 आऊगा पहला, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही नहीं हो सकता। उस तो बाद
थर्ड अपने को है ए, ए का कोड कितना है 5, 5 आ जाऊगा। ठीक है, ए भी अपना आंसर नहीं हो सकता, आंसर बनेगा 72-56। 72-56 यह कोड किसका है, डायल का। इतने तुम देख सकते हो बॉयल यानी एल का कोड कितना है 6, तो 6 लिख लिया, तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन 72-56। नेक्स्ट देखो 71, इस दे विच आपने इसनू अल्फाबैटिकली अरेंज करना है। ठीक है, अल्फाबैटिकली ऑर्डर दे विच, और आपन की पूछा गया, आपन पूछा गया दैन द वर्ड विच विल कम इन मिडल, मिडल दे विच केड़ी संख्या आएगी, वो आपन मिडल दे विच केड़ा वर्ड आएगा वो आपन पूछा गया। ठीक है, इस दे विच अगर आप सब तो पहले देखिए, इतने अपने को ई सारे दे विच दिता गया, उस तो बाद आपन दिता गया है डी, डी तो बाद, डी तो बाद आता है आई, डी तो बाद डी ई एफ जी एच आई काफ़ी बाद आता है ई, यानी एडिटर एज और एडिबल ये पहले आएंगे तीनों, ये तीनों पहले आएंगे। ठीक है, इस तरह आई भी अपने को बाद आता है। ठीक है, आई भी अपने को बाद आता है। ठीक है, आई अपने को बाद आता है, तो आपको पता लग गया ये तीनों पहले आएंगे, इन तिना के पहला कि आएगा वो अपने देखना है हूँ। ठीक है, ई डी का सारे कॉमन हो गया हूँ। ठीक है, इतने अपने को आई यूज़ किया गया, इतने जी यूज़ किया गया है, इतने आई यूज़ किया गया। ठीक है, अगर आप देखिए जी एच आई, जी एच आई यानी जी पहला आता है, तो सब तो पहला कि आ जाऊगा एच आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड आपने देखना है दोनों के बीच आई दिता गया, उस तो बाद इतने दिता गया है बी, इतने टी दिता गया। हूँ आप पता है बी है जो पहला आता है टी तो दूजा अपना कि आ जाएगा एडिबल आ जाएगा। ठीक है, एडिबल, उस तो बाद थर्ड कि आ जाएगा एडिटर आ जाएगा। ठीक है, एडिटर आपको की पूछा गया, आपको पूछा गया है मिडल के हूँ पांच टोटल वर्ड ने अपने को एडिटर आइदर एज एडिबल और एटी, तो आपको पता लग गया ये जो थर्ड दे आएगा वह कि आएगा मिडल आएगा, तो आंसर अपना डायरेक्ट बनेगा एडिटर, होर आपको कुछ चैक करने की जरूरत नहीं है, आंसर है ए ऑप्शन एडिटर। नैक्सट देखो 72 नंबर क्वेश्चन, ए और बी ने जोड़े इना ए और बी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ सी, बेसिकली जो एक सी परसन है। ठीक है, इस दे दो बच्चे ने ए और बी, ए एंड बी बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ सी। ठीक है, इफ सी इज, सी इज मदर ऑफ ए, सी जो है यही की है मदर है। ठीक है, ए इज द सन ऑफ सी, ए है जो सन है पुत्र है, और बी है जो है डॉटर नहीं हैगी, डॉटर नहीं हैगी, तो आपको पता लग गया कि हो गया पुत्र यानी सन हो गया। ठीक है, हाउ आर बी एंड ए रिलेटेड, दोनों आपसे बिच की हो गए ब्रदर हो गए। ठीक है, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए आंसर बन जूगा। ठीक है, सी ऑप्शन, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन है जो ये आपको दिता गया है, रीता जो है यह शोनल तो बड़ी है बट नॉट टॉलर दैन राखी। सब तो पहला आप करांगे रीता जो है, रीता जो है यह वड्डी है किस तो, शोनल तो, शोनल बना देंगे। ठीक है, बट नॉट टॉलर दैन राखी, जिनी राखी लंबी है उन्नी लंबी नहीं हैगी, राखी है जी अगे बन जाएगी। ठीक है, उस तो बाद राखी एंड तनु आर सेम हाइट, राखी और तनु ने जिहड़ियां सेम हाइट ते ने। ठीक है, इत्थे आपां राखी नूं वी रख सकते हैं, तनु नूं वी रख सकते हैं। उस तो बाद रीता इज शॉर्टर दैन अंजली, रीता जो है यह शॉर्टर है किस तो, अंजली तो, कहने का मतलब की है राखी आ जाएगा। ठीक है, इत्थे अपने कोल तनु वी आ सकता है। ठीक है, राखी जो अंजली है इस तो वड्डी होगी रीता तो, इत्थे कौन आ जाएगा अंजली, अंजली तो बाद कौन आ जाएगा रीता, रीता तो बाद कौन आ जाएगा शोनल, तो आपको शॉर्टेस्ट पूछा गया तो शोनल आंसर बन जूगा अपना, शोनल डी ऑप्शन, शोनल है जो यही की है शॉर्टेस्ट है समोलैसट है यही पूछा गया से आपको, तो आंसर बनेगा डी ऑप्शन शोनल। नैक्सट देखो 74 नंबर क्वेश्चन 74th, इस दे विच आपने इन्हों अरेंज करना है मीनिंगफुल सीक्वेंस दे विच, बेसिकली मीनिंगफुल मीनिंग आना चाहिए जो आप इन्हों अरेंज करा। ठीक है, सब तो पहला आप जी सिक्ख्या है वह लवेंगे, एजुकेशन लवेंगे। ठीक है, उस तो बाद अपन जॉब मिलेगी, उस तो बाद अपनी इनकम होएगी, इनकम तो बाद अपना जो स्टेटस है वो चेंज होएगा, फिर वेलबींग आएगा, यानी फस्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे सारे बिल्कुल सही दिते गए हैं, यानी ये आंसर बनूगा अपना। ठीक है, सब तो पहला अपना सिक्ख्या लवेंगे यानी पढ़ाई करा, फिर आपको नौकरी मिलेगी, फिर इनकम होगी, फिर अपना स्टेटस चेंज होगा। ठीक है, फिर वेलबींग ये अपने को इस तरह से अरेंज करा, आप आंसर बनेगा अपना फस्ट सैकेंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन देखो 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन आपने इसमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के। ठीक है, और दैन मिडल डिजिट ऑफ द मिडल टर्म, यानी जो मिडल टर्म आएगी उसका जो मिडल डिजिट होएगा वो किड़ा होएगा। ठीक है, ये आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन 75th। ठीक है,
ठीक है। सब तो पहले आप अगर देखिए इन्हों के सब तो व्डा नंबर कि दिता गया अपन इन्हों के 514, तो 514 सब तो पहले आ जाऊगा। ठीक है, 514 तो छोटा नंबर कि सैकेंड शोर्टैसट कि नंबर है 468 है, 468 तो छोटा नंबर कि 381, 381 तो बाद कि 350 है। ठीक है, 350 तो छोटा नंबर कि 273, 273 आजूगा, फिर 206 आजूगा, फिर आजूगा अपने को 159। ये हो गया अपने को 7 दे 7 नंबर। इन जो मिडल नंबर कि 350, इस दे विच जो मिडल डिजिट है वह कि है 5, तो मिडल डिजिट पूछे अपन, तो मिडल डिजिट कि हो गया 5 हो गया, तो ही आंसर बन गया अपना सी ऑप्शन 5। ठीक है, इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 5, 5। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, यह है 76 नंबर क्वेश्चन जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर के, ये भी आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, हुण तक रीजनिंग के क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं 25। ठीक है, ये की पूछा गया अपन, जो एवरेज है 25 नंबर की वो कि 18 है, तो आप सम कटते होंने सब तो पहला। ठीक है, 25 × 18 कर देंगे आप डायरेक्ट, 25 × 18 किया तो कि बन गया 25 × 8 = 200, 25 × 10 = 250। ठीक है, कि 450 आ गया। ठीक है, उस तो बाद सम कि आ जाएगा अपने को सैकेंड का, एवरेज जो है 12 की वो कि 14, तो 12 की कि आजगी 14 आजगी, 14 × 2 किया 14 × 28, 2 रिमाइंडर, 14 × 14 तो 2 = 16, 168 आ गया। ठीक है, उस तो बाद सम है जोड़ा जे लास्ट के अपने को 12 ने, इन्हों की एवरेज अपन दी गई है 17, 12 × 17 कर देंगे, 17 × 34 आ गया 3000, 17 × 17 = 3, 202 आ गया। ठीक है, इन दोनों अपने ऐड करना है, ये 450 माइनस कर देंगे तो अपने को 13 नंबर आ जाएगा जो पूछा गया, 8 × 4 = 12। ठीक है, एक रिमाइंडर आ गया, 6 × 1 = 7 आ गया, 372 अपने को आ गया है वैल्यू। ठीक है, हुण आपने इस 450 दे विचों 372 नूं माइनस कर देना। ठीक है, 450 दे विचों 372 नूं माइनस कर देना। ठीक है, किवें करांगे देखो, 10 दे विचों 8 माइनस करांगे 2 तां 8 आ जाऊगा, इत्थे किन्ना रह गया 4, 5 तों कट के 4 आ गया, 44 दे विचों 37 माइनस कीता तां वैल्यू किन्नी आ गई 78 78, आंसर बन गया अपना डी ऑप्शन 78 78। आई होप तुहानूं इह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 77th, इस दे विच आपां नूं क्या गया है, जो डिफरेंस है बिटवीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड साइड्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड प्लस 1 इज 5 डिग्री, 5 डिग्री है जिहड़ा इह इन्हां दे विच जो एक्सटीरियर एंगल दा जिहड़ा डिफरेंस है वह दिता गया, तो आपां नूं जिहड़ी वैल्यू है वह पुछी गई है। ठीक है, अगर आपां सब तो पहलां गल करिए जिहड़ा ईच एंगल है इह रेगुलर पॉलीगन दा आपां फाइंड करिए, ठीक है, बेसिकली पॉलीगन दी जिहड़ी साइड ने वह आपां फाइंड करांगे। ठीक है, क्योंकि आपको एन पूछा गया तो अपनी साइड्स पता करनी ने पॉलीगन दियाँ, तो आप करा सब तो पहला पॉलीगन पॉलीगन साइड्स पता करा, पॉलीगन जी जो एन साइड्स ने यह आप पता करा। ठीक है, किमें पता करा, यह बेसिकली जो पॉलीगन के एंगल का सम होंगे कि 360 होंगे, बटे कर देंगे आप एन। ठीक है, दूजे केस के की होएगा, बेसिकली जो एन साइड्स आप इतने यूज़ की ने, तो दूजे केस एन प्लस 1 साइड्स यूज़ करा, बाकी सेम आजूगा। ठीक है, 360 डिग्री बटे किन्ना आजूगा एन प्लस 1। ठीक है, अगर आप इन दोनों का बिट डिफरेंस कर दिए तो अपने को वैल्यू दी गई है 5 डिग्री। ठीक है, तो आप की करांगे, आप करांगे 360 / n माइनस 360 / किन्ना आजूगा एन प्लस 1 इज इक्वल टू किन्ना गया 5 डिग्री। ठीक है, 5 × 5 = 5, आप इन्हों कट देंगे 5 × 7 = 35 और 1 × 5 = 5 × 10, इतने भी किन्ना आजूगा 72, तो इतने वैल्यू किन्नी आ गई अपने को, इतने वैल्यू आ गई अपने को, इतने वैल्यू कि आ गई 72 / n माइनस 72 / n + 1, इधर कि है 1 है। ठीक है, हुण आपां की करांगे, इहदे विच आपां एलसीएम ले लेंगे, इन्हां दा एलसीएम किन्ना आजूगा, इन्हां दा एलसीएम आजूगा n + 1। ठीक है, इतने 1 आ गया, इतने 1 + 1 आ गया, इतने देखिए अगर आपां इन्हां नाल डिवाइड हो गया तो इतने किन्ना बन जूगा 72 n बन जूगा। ठीक है, 72 n + किन्ना आजूगा 72, क्योंकि आप इन डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना उपरले। ठीक है, इतने कि है माइनस का, इतने एन प्लस 1 ऑलरेडी है डिवाइड हो जूगा, कट जूगा और 72 n वैल्यू एज इट इज़ आजूगी। ठीक है, ये एक कैंसल होगी वैल्यू और इधर वैल्यू नहीं आ गई अपने को 1। ठीक है, इतने अपने को वैल्यू नहीं बच चुकी है एन, इनू मल्टीप्लाई करा इधर तो वैल्यू नहीं आ गई n² + n इज इक्वल टू कि आ गया 72 आ गया। ठीक है, यही आ गया अपने को, हूँ इन्हों आप पेयर बना लेने आपस एन, यह जे दो नंबर अपने यूज़ करने ने जिदे अगर आप मल्टीप्लाई करिए 72 आना चाहिए, इधर आप इधर लियावे तो माइनस आजूगा, इधर 0 आ गया। ठीक है, इन दे आप जिहड़े ने पेयर बना लेने। ठीक है, 9 ते 8 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, तो आप किवें बनावे, प्लस 9 n - 8 n
-72 इज इक्वल टू 0। इस तरह तुसी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस दे विच तुहानू एक वैल्यू जिहड़ी एन दी मिल जाएगी 8, एक वैल्यू मिल जाएगी -9, जिहड़ी माइनस वाली है उहनू आपां इग्नोर कर देंगे, तां वैल्यू अपने कोल 8 आ जाऊगी, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना डायरेक्ट सी ऑप्शन 8, ठीक है। यह क्वेश्चन भी वधिया लैवल का पूछा गया सी इस पेपर दे विच, काफ़ी आपां ने मेंसुरेशन दे विच इस प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं पोलीगन चैप्टर के, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 8। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 78th 78 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अपन, यह क्वेश्चन है जो लगभग हर एक स्टूडेंट छड़ के आया सी, बहुत ही वधिया लैवल का क्वेश्चन है भी पूछा गया सी जो इस पेपर दे विच, ठीक है। इस दे विच पी और क्यू ने जो दो स्टेशन ने, बेसिकली आपने मान लो यह दो स्टेशन का रस्ता है आपस दे विच पी और क्यू दे विच, ठीक है। इस दे विच आपां नूं क्या गया है, यह जो है आ ट्रेन, एक ट्रेन है जिहड़ी यह पी तो लैके क्यू तक जाती है, ठीक है। पी तो लैके यह इस तरफ गई ट्रेन, ठीक है। एक ट्रेन है जिहड़ी इस तरफ जाती है, और इसकी स्पीड कितनी दी है आपां नूं 64 किलोमीटर पर आवर दी है, ठीक है। 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उस तो बाद यही ट्रेन वापस आती है, एक बार यह इधर गई एक बार इधर वापस आई, हुण आपां नूं इह तां कन्फर्म है जिन्ना गई होगी उन्नी वापस आऊगी, तां ही वह अपनी जिहड़ी है लोकेशन ते पहुंचेगी जिथों चली होएगी, ठीक है। और एंड रिटर्नस टू पी, ठीक है। एक रिटर्न होंदी है एक स्लोअर स्पीड दे नाल आती है यह ट्रेन है जिहड़ी वापस आती है, ठीक है। जो डिस्टेंस इन्हां दे विच कॉमन होएगा सेम होंदा इन्हां दे विच डिस्टेंस, ठीक है। यह जो स्लोअर स्पीड है इसकी आपां नूं नहीं पता किन्नी स्पीड है, ठीक है। उस तो बाद एवरेज स्पीड आपां नूं होल जनरली की जिहड़ी है वह दित्ती गई है, यानी पूरी की पूरी जिहड़ी यात्रा की आपां ने, ठीक है, उसकी एवरेज किन्नी दित्ती आपां नूं 56 दे रखी है। तो आपां की करांगे 56 लिख लेंगे, सब तो पहला आपां इन्हां दा एलसीएम लवांगे, ठीक है। इन्हों का एलसीएम तुम्हें एलसीएम चैप्टर के चंगी तरह पढ़ाया गया किस तरह तुमने एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम इन्हों का 448 आ जाऊगा, डायरैक्ट आप लिख रहे हैं इतने, ठीक है। 448 आ गया। हुण आपां नूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला पता है, ठीक है। हुण आपां नूं जिहड़ा यह फॉर्मूला सब नूं पता होगा तुहानूं, ठीक है। इस दे विच सब तो पहला आप की करांगे 448 डिस्टेंस है अपने कोल, ठीक है। हुण आपां टाइम का जिहड़ा फॉर्मूला है वह भी बना सकते हैं इस तो, ठीक है। टाइम इधर चला गया और स्पीड नीचे आ जाएगी। स्पीड कितनी है पहले केस दे विच, स्पीड है 64, ये आपां लिख लिया। उस तो बाद 448 वापस आया तो यह आपां ने पता करनी, इहनूं आपां ने एक्स लिख लिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 896, यानी जाणते और आते दोनों ते डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 448 प्लस 448 तो कितना हो गया 896, 896। और जिहड़ी एवरेज दिती गई है वह कितनी दिती गई आपां नूं 56 दिती है, बटे कर देंगे 56, ठीक है। इत्थे आपां 64 नूं इस दे नाल कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं क्योंकि आपां ने इहनां दा एलसीएम लिया, ठीक है। इहदा 64 नूं कट्टांगे तां आपणे कोल वैल्यू कितनी आ जाऊगी, 7 ते कट जूगा यह, ठीक है। 7 ते कट जूगा, और इत्थे अगर आपां इहनूं कट्टांगे तां इत्थे वैल्यू कितनी आ जाऊगी, इत्थे वैल्यू है जिहड़ी यह कट जूगा 16 ते, क्योंकि 16 च 96 हुंदा है तां इत्थे कट जूगा 16। तो आपां नूं पता लग गया इत्थे एक अजिही वैल्यू आनी चाहिए है 9 आनी चाहिए है, 7 + 9 करांगे तां ही अपने कोल 16 बनूगा। कहण दा मतलब की है, एक अजिही वैल्यू आपां नूं चाहिए है, ठीक है, जिसनों आपां डिवाइड करिए तां आपां नूं 9 मिले, तो आपां की करांगे डायरैक्ट इसनों 448 नूं 9 नाल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 9 नाल डिवाइड करांगे तां कितना आजूगा, 9 × 36, 9 × 5 = 45, 4 आऊगा, ठीक है। 9 × 36, 36 कट गया, तो पिछे कितना रह गया 44 − 36 कितना 8 आ गया, 88 आ गया, 9 × 81 होंगे, ठीक है। 9 × 90 यानी 9 आजूगा, इतने कितना बच गया 7, क्योंकि 81 कट गया तो 7 बचेगा, 49 = 7/9 km/h आंसर बन गया अपना, ठीक है। यह है अपना आंसर बी ऑप्शन, 49 = 7/9 km/h, यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा जो कि आपको बी ऑप्शन के दिता गया है। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर होया होएगा, वधिया लैवल का क्वेश्चन सी बहुत ही। नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, जो आपको डिमेंशन इसदियाँ दिखाई गई ने, ठीक है। 70 मीटर लंबा है, 44 मीटर चौड़ा और 3 मीटर डूंगा है, और इसनों आपने पानी है जोड़ा इसनों फिल करना है, जिसका डायमीटर आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है और 6 मीटर पर सैकेंड जिहड़ी दी स्पीड है, ठीक है। ये की पूछा गया आपको टाइम कितना लगेगा, किन्ने टाइम के जोड़ा स्विमिंग पूल है फुल हो जाएगा। तो आपको पता वॉल्यूम की गल करते हैं जो आप किसी टब न किसी जमीन भर रहे हैं किसी पानी का, ठीक है, तो उस केस वॉल्यूम की गल करते हैं, तो इतने लिखा आप 70 × 44 × 3 आजूगा, यह अपने कोल की हो गया वॉल्यूम हो गया इस स्विमिंग पूल का, बटे कितना कर देंगे, बटे अपने कोल आ जाएगा जो अपने कोल यह है पाइप, ठीक है। हुण आपां नूं पता है पाइप है जिहड़ा जिथों भी स्टार्टिंग होएगा पाइप है जिहड़ा सर्कल शेप का होएगा, ठीक है,
सर्कल शेप का होएगा तो ये रेडियस भी यूज़ करा आप। ठीक है, रेडियस है जोड़ा अपन वो आप इतों फाइंड कर लेंगे। तो 35 आप दे रखा है, डायमीटर आप कि रखा 35, तो यह आपको सेंटीमीटर दिता सब तो पहला था। ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट करा किस दे मीटर के 100 ना डिवाइड करा तो कि आजगा 0.35, 0.35 आजगा। और रेडियस आपने फाइंड करना तो बटे फेर दो करना पेगा आपको, क्योंकि रेडियस अद्धा होंगे, डायमीटर पूरा हो गया, रेडियस अद्धा होंगे, रेडियस इतने तक हो गया। ठीक है, इस करके। ठीक है, हुण आपां की करांगे, आपां नूं फॉर्मूला भी पता है की हुंदा है, पाई आर स्केयर का फॉर्मूला हुंदा है। ठीक है, एरिए का कितना एरिया बाहर निकल रहा है, तो इतने कि आजगा पाई की वैल्यू नहीं पुट्टा कर देंगे, बाई बटे 7 गुणा इतने कि है 0.35, 0.35 लिख लेंगे, 0.35 बटे 2, 0.35 बटे 2 गुणा कि आजगा गुणा 6 मीटर पर सैकेंड जिहड़ा इहदा बहा है वह लिख लेंगे, आपां 6 लिख लेंगे। ठीक है, हुण आपां की करांगे, इसनों आप कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, किमें कटेंगे, देखो 2 एकम 2 11 दूना 22, 11 कट गया, 11 एकम 11 11 चुको 44 4 कट गया। ठीक है, 4 से कट गया, और उस तो बाद 2 एकम 2 2 3 6। ठीक है, 3 दिन अपना 3 कैंसल हो गया। ठीक है, 3 दिन अपना 3 कैंसल हो गया। उस तो बाद नैक्सट अपने को है इतने 7 एकम यानी 7 एकम 7 इतने कि आजगा 0.05 यह कट जूगा अपना। ठीक है, 0.05 में जो आप 100 ना मल्टीप्लाई करांगे तो वैल्यू कितनी आजगी अपनी 5। ठीक है, 5 आजगी, 5 और 0.5 इनू आप कट सकते हैं अगे। ठीक है, इनू आप कट देंगे 4 दे नाल, 0.5 नू आप 4 दे नाल कटांगे तो वैल्यू कितनी आजगी 5 8 40 यानी 80। ठीक है, 0.35 नू कटांगे 70 दे नाल तो वैल्यू कितनी आजगी 200। ठीक है, क्योंकि जो आप 100 ना मल्टीप्लाई करांगे 35 आजगा, तो 2 ना करांगे तो 70 आजगा। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी रहेगी अपने को 200 गुणा 80। ठीक है, 200 गुणा 80 अपने को वैल्यू रह चुकी है। ठीक है, यह अपने मीटर पर सैकेंड कटे है, बट अपने फाइंड करना है किन्ने घंटे लगनगे, तो आप करा घंटे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हुण आपां नूं पता है इस दे विच 1 मिनट के 60 सैकेंड होंगे ने, 1 घंटे के 60 मिनट होंगे ने, तो इन्हां दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 गुणा 60 अपने को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 नाल 0 कैंसल हो गया। ठीक है, ये 0 अपने दोनों कैंसल हो गया, इतने कि बच गया अपने को 20 गुणा 8। ठीक है, इतने 6 गुणा 6 बच गया। ठीक है, इतने कि आजगा 3 आजगा, इतने भी 3 आजगा, इतने 4 आजगा कट के, इतने आजगा अपने को 10, 10 गुणा 4 कि आ गया 40 40 बटे कि आ गया अपना 9, तो इनू अगे होर भी कट सकते हैं आप, 9 चुका 36 और 4 बच गया 4 बटे 9, 4 सही 4 बटे 9 घंटे लगनगे। तो इस क्वेश्चन आंसर कि बन गया, सी ऑप्शन बन गया, 4 सही 4 बटे घंटे, 4 4 बटे 9 घंटे लगनगे इस स्विमिंग पूल नूं फुल करन दे लई इस स्पीड दे नाल। तां आंसर बन गया इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, 4 सही 4 बटे 9 घंटे। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा, इहदे विच की कहा गया आपां नूं, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज, यानी स्टूडेंट्स जिहड़े बच्चे ने एक क्लास दे विच, इन्हां नूं एक रो दे विच खड़ाया गया। ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्सट्रा, लगभग हर एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन भी स्किप किया, बहुत ही वधिया लैवल का क्वेश्चन है जिहड़ा ये डिजाइन किया गया, जिस भी एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन डिजाइन किया। बेसिकली कहने का मतलब की है, एक स्टूडेंट ने, ठीक है, एक क्लास के स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जिन्हों के द्वारा रोज़ के खड़ाया गया उन्होंने। ठीक है, अगर आप सब तो पहला गल करिए फस्ट केस की, ठीक है, फस्ट केस की गल करते हैं। ठीक है, इस दे विच बेसिकली जो स्टूडेंट खड़े ने और जिन्हें जिन्हें खड़े ने वो आप लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह 3 3 आपने एक्सट्रा करते तो ईच रो जिन्नियाँ रोज़ बनिया हुई ने उन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे अपने को। ठीक है, तो कहने का मतलब की है, अगर आप गल करिए टोटल जोड़े स्टूडेंट ने एक रो दे विच खड़े ने एस लिख लिया, उसमें एस ना डिनोट करता, और जिन्नियाँ रोज़ बनिया हुई ने वो आपने आर ना डिनोट करता, तो अपने को टोटल स्टूडेंट किन्ने हो गए इस केस दे विच, फस्ट केस दे विच एस आर हो गए। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड केस दे विच आपां की कहा गया है, सैकेंड केस दे विच कहा गया है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्सट्रा इन ईच रो, यानी हर एक रो दे विच 3 3 स्टूडेंट आपने वधाते तो S+3 हो जाएंगे। ठीक है, रो ने जिहड़ियां किन्नी घट गई, 1 रो घट गई। ठीक है, इतने अपने को रो आर ने, तो इतने रो कि रहनी है R-1, तो अपने को जी इन्हों टोटल स्टूडेंट हो तो सेम ही रहने, तो इस केस के किन्ने बन जाएंगे, N=S+3 R-1। ठीक है, इतने कि बन जूगा अपना SR, ठीक है, -S+3R+3R और इतने कि आ जाएगा 3 आ जूगा।
ठीक है। हुण आपां नूं पता है यह वैल्यू कि है एन की, और आपां यह भी पता है जिहड़ा एन है इसनूं आपां एस आर लिख सकते हैं, तो इहनूं आपां एस आर नाल रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इधर कितना गया एस आर माइनस एस प्लस थ्री आर माइनस थ्री, ठीक है, ये नाल कैंसल हो गया, तो अपने को जी पहली इक्वेशन है वह बन चुकी है एस प्लस थ्री आर माइनस थ्री, ये अपने को पहली जी इक्वेशन है वह तैयार हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वधिया लैवल का क्वेश्चन से ये भी। ठीक है, इस दे विच थर्ड जो इक्वेशन है वह बना लगे आप हूँ। ठीक है, इस दे विच की किया गया आपको, इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लैस इन ईच रो, हर एक रो दे विच आपने तीन स्टूडेंट घटाते होना। ठीक है, हुण तक किन्ने सी एस सी, हुण आपने किन्ने घटाते तीन घटाते, तो एस माइनस थ्री हो जूगा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आपू सॉरी इस दे विच उस तो बाद आपू क्या गया है जो तीन स्टूडेंट्स ने जिहड़े हर एक रो दे विच घटाए गए और दो जिहड़े रोज़ ने वह वधाई गई, यानी कहने का मतलब की है तीन तीन बच्चे आपने हर एक रो दे विच घटाते। ठीक है, दो जिहड़ियां रोज़ ने उन्होंने वधाता आपने, तो रोज़ किन्नी हो जाएगी अपने को आर प्लस टू, तो उस केस दे विच टोटल जिहड़े स्टूडेंट हो जाएंगे तो वह तो सेम ही रहेंगे अपने को। ठीक है, एस माइनस थ्री और आर प्लस टू। ठीक है, इधर अपने को वैल्यू कितनी बन जाएगी एस आर प्लस, एस आर प्लस इतने कितना बन जाएगा टू एस। ठीक है, टू एस बन गया, इतने कितना बन जाएगा अपना माइनस थ्री आर, और इतने कितना बन जाएगा माइनस सिक्स। ठीक है, माइनस सिक्स बन गया। उस तो बाद अपन ये भी पता है जिहड़ा एस आर है इसनों आपां यानी एन नूं आपां एस आर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब की है एन नूं आपां किसे नाल रिप्लेस कर देंगे एस आर दे नाल, जिवें आपां इत्थे कीता है। ठीक है, इत्थे आ जाएगा एस आर प्लस टू एस माइनस थ्री आर माइनस सिक्स, एस आर दे नाल एस आर कैंसल करता आपां ने। ठीक है, ये अपनी दूजी इक्वेशन बन गई, दूजी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इतने अपने को माइनस एस प्लस थ्री आर, इतने अपने को है दूजी इक्वेशन, ये दोनों ने जी इक्वल हो जाएगी जीरो दे। ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएगी जीरो दे, अगर आप इन्होंने दोनों ऐड कर लिए तो थ्री आर है, इतने ये भी थ्री आर है, तो यह दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब की है इतने अपने को जी टू एस है, टू एस के एस माइनस किया, अगर आप इन्होंने ऐड करा तो अपने को टू एस के एस माइनस करा तो एस आ गया अपने को। ठीक है, इतने है माइनस थ्री, इतने है माइनस सिक्स। ठीक है, यह है अपने को माइनस सिक्स, इतने है माइनस थ्री, इन्हों दोनों ऐड करा तो अपने को जाएगा माइनस नाइन, एस माइनस नाइन, तो इतने एस की वैल्यू अपने को डायरेक्ट कि आ चुकी है नाइन आ चुकी है, एस की वैल्यू कि आ चुकी है नाइन आ चुकी है। हम अपने को जो एक वैल्यू आ चुकी है तो आप बाकी जी वैल्यूज़ ने फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यह आप किसी भी जी इक्वेशन है वो आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, जिमें अपने को जी इक्वेशन है कोई भी जी इक्वेशन है जी अपने दो इक्वेशन तैयार की ने इन आप इस वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिमें अपने को इतने एस की वैल्यू कि आई है नाइन, तो आप ये पुट करा तो इतने वैल्यू कि आ जाएगी माइनस नाइन। ठीक है, ये आप पुट कर लगे इतने एस की वैल्यू कि माइनस नाइन प्लस थ्री आर एज इट इज़ आजगा, इतने माइनस थ्री है। ठीक है, इधर आजगा अपने को जीरो। ठीक है, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस थ्री कि हो गया माइनस ट्वेल्व, थ्री आर इज इक्वल टू कि हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, क्योंकि इधर आगे प्लस का हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कि आ गया फोर, आर की वैल्यू कि आ चुकी है फोर आ चुकी है, यानी एस की वैल्यू कि आ गई नाइन और आर की वैल्यू कि आ गई अपने को फोर, और अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, नौ गुणा चार किया तो वैल्यू कि आ गई थर्टी सिक्स, छत्ती आंसर बन जाएगा छत्ती थर्टी सिक्स। बहुत ही वधिया लैवल का क्वेश्चन सी। ठीक है, यह हरियाणा पी सी एस के प्रीवियस पूछा गया से क्वेश्चन। ठीक है, यह ध्यान में रखना है, इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 36। नैक्सट क्वेश्चन देखो 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन में क्या गया आपको, एक शॉपकीपर है। ठीक है, उसके द्वारा नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, उसके द्वारा कुछ नंबर ऑफ बुक्स ने जो परचेज की गई 1200 रुपए के। ठीक है, अगर वह परसन 10 बुक्स ने जो ज़्यादा परचेज कर ले सेम अमाउंट के उपर, ईच बुक वुड हैव कोस्ट हिम 20 रुपीज़ लैस, उसनों 20 रुपये घट पैंते हैं। ठीक है, और अपन की क्या गया है, अपन क्या गया है द नंबर ऑफ बुक्स अबाउट बाय शॉपकीपर इज, किनिया बुक्स में परचेज किया गया उस शॉपकीपर के द्वारा, तो आप कह सकते हैं पहला भी 1200 रुपए से बाद भी 1200 रुपए ने, तो आप 1200 रुपए मान ले पहला। ठीक है, पहला बुक्स जिन्नी आदि सी उन्होंने मान लिया अपने एक्स, क्योंकि प्राइस ज़्यादा से तो अपना ये माइनस करना पेगा। ठीक है, इतने 1200 रुपए है, इतने अपने को बुक्स कितनी आ रही ने, इतने प्राइस घट होगा, तो इतने बुक्स कितनी आ रही ने एक्स प्लस 10 आ रही ने, यह कि इक्वल दिता गया आपको, यह 20 रुपए के इक्वल दिता गया, 20 रुपए घट ला देने अपने। ठीक है, इतने आप एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ठीक है, इन्होंने दोनों का एलसीएम लिया तो अपने को एक्स
एक्स एक्स प्लस दस ये एलसीएम आ गया। ठीक है, यह जो एक्स प्लस दस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यह इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200x प्लस कितना आ गया, इतने इतने आ गया 12000 गुणा 10 कितना 12000 आ गया। ठीक है, इतने एक्स प्लस दस नाल एक्स प्लस दस कट जूगा और माइनस 1200x आ जाऊगा। ठीक है, इधर ये दोनों कैंसल हो गया आपसे, इधर बी एज इट इज चल रहा है अपना। ठीक है, इधर कितना रह गया अपने को, सिर्फ और सिर्फ 12000 रह गया। यह जोड़ा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस दस इंटू 20। ठीक है, यह इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के नाल। ठीक है, 20 ये जोड़ा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने वैल्यू करीब बन गई अपने को 20x² बी एक्स स्केयर प्लस 200 माइनस 12000 और इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यह अपने को जी है इक्वेशन बन चुकी है एक। ठीक है, हुण आपां की कर सकते, इसनों बी नाल डिवाइड भी कर सकते सारी इक्वेशन नूं, तां अपने कोल बी नाल डिवाइड किया तो एक्स स्केयर आ गया, इतने 10 आ जूगा। ठीक है, और इतने 10 आ जाएगा और इतने कितना आ जूगा अपने कोल, इतने आ जाएगा बी नाल डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा अपना 600। ठीक है, इतने सॉरी 10x आएगा। ठीक है, इतने 10x आ जाएगा क्योंकि इतने भी 10x चल रहा है अपना। ठीक है, एक्स स्केयर प्लस इतने 10x माइनस 600 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। हुण इहदे आपां की कर सकते, पेयर बना सकते हैं। पेयर किवें बनावांगे, देखो मल्टीप्लाई करन तों बाद 600 आना चाहिए, प्लस और माइनस करन तों बाद 10 आना चाहिए। किवें करांगे, 30 और 20 अपने कोल इक पेयर बनता है। ठीक है, 30x माइनस 20x इज माइनस 600 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतने अपने को बेसिकली दो वैल्यूज आनगियां। ठीक है, तुम इन्ना कहता तो आप खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पेयर दस दते कि तुम आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक अपने को एक्स प्लस 30 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कॉमन लवेंगे तो इतों एक पेयर इतों बन जाएगा, एक पेयर इन्होंने बन जाएगा एक्स प्लस 30, एक पेयर बन जाएगा अपना एक्स माइनस 20। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू आ गई, इग्नोर कर देंगे आप, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है 20 आ चुकी है। द नंबर ऑफ बुक्स बाय अबाउट बाय द शॉपकीपर, कितनी अबाउट कितनी सी, यानी कितनी बाय कितनी सी, 20 कितनी सी, यही पूछा सी, तो आंसर बन गया 20 बी, इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन 20। आई होप तुहानू इह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। बाकी इस क्वेश्चन तुसी बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, जिम्मे फॉर एग्जाम्पल बाय ऑप्शन किमें करोगे, 1200 रुपये से पहला भी 1200 रुपये बाद। ठीक है, पहला कि बुक्स ने जिम्मे ऑप्शन अपने बी चक लिया। ठीक है, बी इतने डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 60। इतने अपने 10 बुक्स वध परचेज कीतियां ने तो इतने कितने आ गए अपने 3 चौके। ठीक है, इतने अपने को डिफरेंस चैक कर लिया, बी आ गया बिल्कुल सही है, तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 20 रुपीज। नैक्सट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी नंबरस लाई बिटवीन 10 and 300 विच कैन विच वैन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर 3। यानी बेसिकली 10 तो लैके 300 तक अपने नंबर ने जोड़े वो देखने ने। ठीक है, और इन्हों जो आप डिवाइड करते हैं 4 के नाल तो अपन रिमाइंडर 3 मिलता है। ठीक है, कहना मतलब की है, सब तो पहला 12 है। ठीक है, यह 4 नाल डिवाइड है, उस तो बाद 16 है, उस तो बाद 20 है। इस तरह अगर अपने 3 रिमाइंडर बचाने हैं तो उस केस कि हो जाएगा, इतने 15 हो जाएगा। ठीक है, इतने कि हो जाएगा 19 हो जाएगा, इतने हो जाएगा अपने को 3 23। ठीक है, ये अपने को एक सीरीज़ बन रही है बेसिकली। ठीक है, यह अपने को सीरीज़ बन रही है, कि सीरीज बन रही है, ये 4 4 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है अपन, 15 4 19। ठीक है, इतने भी अपने को 4 का डिफरेंस है, इस तो बाद 27 आ जाएगा, इस तो बाद 31 आ जाएगा, और इसी तरह यह सीरीज़ जारी चलती रहेगी। ठीक है, इस दे विच अपन जिहड़े नंबरस ने, हाउ मैनी नंबरस पूछे गए ने, किन्ने नंबर होणगे जो लाइक करते हैं, जो 4 नाल डिवाइड करते हैं, 3 रिमाइंडर अपन देखने को मिलता है। ठीक है, इस दे लई बेसिकली एक फॉर्मूला होंदा है जो तुहानू रिमाइंड करना पएगा। यह बेसिकली APGP के क्वेश्चन ने जो कि तुहानू कोर्स के चंगी तरह करवाए जाएंगे। ठीक है, APGP के काफ़ी क्वेश्चन ने जिहड़े इस पेपर के पूछे गए सी। ठीक है, इस करके आप काफ़ी वधिया लैवल के जिहड़े APGP के जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने कवर करांगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुहानू याद ही करना पएगा। ठीक है, A+N - 1 × D। ठीक है, इस दे विच बेसिकली जिहड़ा AN है जिहड़ा वह किन्ना हो सकता है, जिवें हुण लास्ट दे मान लो 300 आपां दित्ता गया। ठीक है, यह जो 300 है, ये जो 300 है, यह 4 नाल डिवाइड होंदा, बिल्कुल होंदा। इस तो पहला वाला जिहड़ा 4 नाल नंबर डिवाइड होगा वह किहड़ा होएगा, 296। बट 296 दे विच आपां ने 3 होर ऐड करना, यानी लास्ट वाला नंबर अपना किहड़ा होएगा, इस तरह सीरीज चलता चलता 299 होएगा। ठीक है, यानी यह जो है लास्ट वाला नंबर आप इतने लिखते होंगे 299 अपने को नंबर है। ठीक है, ये वैल्यू यानी फस्ट नंबर आप डिनोट करते हैं ये कि है, इस तो पहला भी अपने को आएगा 11। ठीक है, 11 क्यों आएगा, वह रीज़न की है, जिमें हूँ अपने को 10 तो लैके 11 तक, 10 तो लैके 300 तक, हूँ कोई अजिहे नंबर लैने अपने जो कि डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर मिलना चाहिए अपना।
जिहड़ा 4 दा मल्टीपल है 8 तां 3 रिमाइंडर मिलता आपां जदों 11 नाल डिवाइड करदे आ तां उस केस दे विच 11 वी होऊगा पहला नंबर 11 हो जाऊगा ठीक है एन आपां ने नंबर फाइंड करने ने तां डिफरेंस इन्हां दे विच किन्ना है 4 4 दा तां 4 इत्थे आ जाऊगा ठीक है 299 इज इक्वल टू 11 प्लस 4 एन माइनस 4 ठीक है इतने आ जाऊगा अपने को 4 एन एज इट इज़ 11 के 4 अगे 7 आ गया 7 ये माइनस करा 299 के कि आ गया 292 तो इतने 292 आ गया एन की वैल्यू कि आ गई 292 बटे 4 ठीक है 4 7 28 आ गया 1 2 4 12 73 आंसर आ गया 73 अपना आंसर बन गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन में आपको की पूछा गया है आई थिंक एक क्वेश्चन है स्किप हो चुके हैं टाइपिंग मिसटेक है जी 83 नंबर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर के प्रोवाइड कर देवे ठीक है इस 84 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया अपन एक बॉय जरा साइकलिंग करता है ठीक है आ बॉय इज साइकलिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आर मेकिंग 140 रेवोल्यूशनीज पर मिनट यानी कि लड़का है 140 रेवोल्यूशनीज लगाता है एक मिनट के ठीक है डायमीटर कितना है व्हील का 60 सेंटीमीटर ठीक है 60 सेंटीमीटर डायमीटर है तो आप 60 सेंटीमीटर लिखांगे सब तो पहला ठीक है रेडियस कितना आ जाऊगा रेडियस आ जाऊगा अपना 30 दो डिवाइड करने तो बाद तो अपन की पूछा गया दैन द स्पीड ऑफ द बॉय इज साइकलिंग इज जो भी अपन क्वेश्चन के रेवोल्यूशन इज वर्ड दिख जाए ठीक है साइकलिंग दिख जाए तो उस केस अपने पैरीमीटर यूज करना होंगे जिमें अपने कंप्लीट डिटेल मैंसुरेशन कवर किया हुआ है ठीक है इस पैरीमीटर यूज करते हैं आप पैरीमीटर का फॉर्मूला की होंगे है सर्कल का होंगे है 2πr ठीक है 2 × 22/7 आर की वैल्यू कि 30 तो इतने अपने को वैल्यू आ चुकी है 2 × 22/7 × 30 ठीक है इतने अपन मीटर पर मिनट के दिता गया है तो आप कर सकते हैं इसको आप मिनट के कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है इसको आप 100 नाल डिवाइड करा तो 0.3 आ जाऊगा यानी 30 की बजाय आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 0.3 ठीक है 0.3 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट 0.3 लिख लिया यह अपने को वैल्यू आ चुकी है उस तो बाद आप पूछा गया है टोटल रेवोल्यूशनीज किन्ने होंगे तो आप करा 2 × टोटल आपको दिते गए 140 रेवोल्यूशनीज ठीक है 0.3 × 140 तो इतने आप सत्त नाल कैंसल कर देंगे इतने कि आजगा 20 आजगा और 22 × 2 गुना कि 44 और इतने कि है इतने है अपने को 0.3 × 20 किया 0.3 10 नाल मल्टीप्लाई किया 3 आ गया 3 × 2 किया 6 आ गया 44 × 6 इन्हों मल्टीप्लाई कर लेने आपसे 6 × 24 2 रिमाइंडर 6 × 24 तो 2 × 26 264 पर मिनट आ गया अपने को आंसर ठीक है मीटर पर मिनट आ गया अपने को 264 यानी आंसर आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 264 मीटर पर मिनट है जोड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा जो कि आपको बी ऑप्शन दिता गया है आई होप तुम्हें यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट देखो 85 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी जी APGP तो ही पूछा गया ठीक है इस बेसिकली एक सीरीज़ आपको दिती गई है ठीक है 1 4 7 इस तरह सीरीज चल रही है ठीक है प्लस हो रही है और टोटल इन्हों का समय जो कि बन रहा है 287 के कोल बन रहा है ठीक है इस दे विच आपां की पूछा गया है एक्स की यानी लास्ट जो वैल्यू है पूछी गई आपां इस क्वेश्चन के ठीक है इसलिए अपने को एक फॉर्मूला होंदा है फॉर्मूला किहड़ा है SN इज इक्वल टू एन बटे 2 2a + n − 1 × d यह फॉर्मूला है ठीक है इस दे विच जो SN है किसी सम को डिनोट करता है ठीक है 287 आजगा इतने ठीक है 287 इज इक्वल टू एन बटे 2 आजगा एज इट इज ठीक है और पहली जो वैल्यू है 1 है 2 × 1 किया 2 आ गया ठीक है प्लस एन माइनस 1 एज इट इज डिफरेंस कि इन्हों के 3 का इन्हों के भी 3 का इस तरह सीरीज चल रही है तो 3 इतने आजगा डायरेक्ट ठीक है 287 है जोड़ा ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके तो कि बनेगा इतने वैल्यू कि बन जाएगी 2 7 14 14 एक रिमाइंडर 2 8 16 तो 1 17 एक रिमाइंडर 2 2 4 तो 5 574 आ गया ठीक है एन एज इट इज़ आ गया और 2 + 3n − 3 ठीक है इतने वैल्यू कि बन जाऊगी 2 − 3 किया तो −1 आ गई 574 इज इक्वल टू एन एज इट इज़ और इतने वैल्यू कि आ गई इतने वैल्यू आ गई अपने को −1 ठीक है 3n − 1 अपने को वैल्यू आ चुकी है ठीक है हम आप करा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 574 इज इक्वल टू 3n² − n ठीक है ये अपने को वैल्यू आ चुकी है 3n² − n − 574 इज इक्वल टू 0 ठीक है ये अपने को वैल्यू आ चुकी है सारी दी सारी ठीक है उस तो बाद आप कर सकते इस बेसिकली जो इक्वेशन है ये बन चुकी है अपनी
ठीक है। इस दे विच जो इक्वेशन है बन चुकी है, इस तो अपने जी वैल्यू है इन्हें फाइंड करनी है, वो तो खुद जी देखनी है किमें बनानी है, पेयर बनाने पैणगे तुहानू। एन की वैल्यू 14 आ जूगी इतों, ठीक है। एन की वैल्यू 14 आ गई, एन की वैल्यू 14 कढ़न तो बाद उस तो बाद अपने को एक फॉर्मूला इस होर यूज करेंगे आप, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए प्लस 1, ठीक है। ए सम कढ़न का ही फॉर्मूला होंगे, ठीक है। इस बेसिकली जो अपनी लास्ट टर्म है अपने फाइंड करनी है इस करके, ठीक है। 287 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कि 14 14 आजगा, 14 बटे 2 आजगा, ए प्लस 1 यानी 1 प्लस ए की वैल्यू कि 1, और इतने अपने को जी एक्स की वैल्यू है वह कितनी है, इस दे विच जो आप ए यूज़ कर रहे हैं ये आप फस्ट डिजिट में छड़ के किसान यूज़ कर रहे हैं, इसनों आप यूज़ करेंगे एक्स, यानी यह अपना जो एक्स वैल्यू अपने फाइंड करनी है इसनों आप फाइंड कर रहे हैं तो इतों ही अपनी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। दो है जो इधर एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इनू आप मल्टीप्लाई पहले कर चुके कि 574 आएगा, ठीक है। इस तरफ कि आ गया 14, ठीक है। इधर 1 प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया अपना, ठीक है। 1 प्लस एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 574 बटे 14, ठीक है। 14 एकम 14, 14 चौके 56, ठीक है। 14 चौके 56 और 14 एकम 14 यानी 1 प्लस एक्स की वैल्यू कि आ गई 41, एक्स की वैल्यू कि आ गई 41 माइनस 1 कितना 40 आ गया, 40 आ गया। तो आंसर इस क्वेश्चन का कि बन गया सी ऑप्शन बन गया, यानी इतने तक पहुंचेगा 40 आएगा। तो इस क्वेश्चन आंसर कि है ए ऑप्शन 40 40। आई होप तुम्हें यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है, द डिमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, यानी इन्हों की डिमेंशन आप दिखाई गई ने 5 × 10 × 20, और अपने एक टू कंसट्रक्ट आ सॉलिड क्यूब, एक अपने मिनिमम साइज जी कंसट्रक्ट करनी एक सॉलिड क्यूब, ठीक है। और अपन इस जो ब्लॉक्स ने पूछे गए हैं किन्ने रिक्वायर होंगे, ठीक है। इस दे विच बेसिकली अपन ये सब तो पहला जो मिनिमम की गल करते हैं तो उस दे विच अपन एलसीएम फाइंड करते होंगे, ठीक है। जो एज होंगे ने उन्हों का एलसीएम अपने फाइंड करना है 5, 10 और 20, ठीक है। 20 और 5, 10 का किन्ना एलसीएम आजगा, 20 आजगा, ठीक है। वॉल्यूम कि बन जूगा समोलेस्ट क्यूब का, वॉल्यूम कि बन जाएगा समोलेस्ट जी क्यूब है उसका, एज कर लिया अपने एक वॉल्यूम कि आजगा, वॉल्यूम होंगे है उसका क्यूब यानी साइड का क्यूब, तो 20 का क्यूब कर देंगे आप, ठीक है। 20 × 20 × 20 आजगा, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक की गल करनी अपनी इस ब्लॉक की गल करी गई है किन्ने रिक्वायर्ड हो, ठीक है। जो अपने को इस जो पहला अपने डिमेंशन दी गई है वो कि दी गई 5 × 10 × 20, यदा भी आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 5 × 10 × 20, ठीक है। यह कि आ गया अपने को 20 × 5 100 हो गया, 100 × 10 किता कि आ गया 1000 आ गया, और इतने कि आ गया 20 × 20 400 × 20 किता 8000 आ गया, ठीक है। 8000 आ गया, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स पूछने तो 8000 बटे कर देंगे आप 1000, तो आंसर इस क्वेश्चन आ गया 8। तो इस क्वेश्चन आंसर कि है डी ऑप्शन 8, 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 87 नंबर क्वेश्चन, 87 के आपको क्या गया है, 3 क्यूब्स ने, ठीक है, जिन्हें एजेस आप दिए गए हैं 3 ratio 4 ratio 5, ठीक है। इन्हों मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब है जोड़ा बनाया गया, ठीक है। और डायगनल आपको दिता गया है 12√3 cm, अपनों जो एजेस ने, ठीक है, जो अपन रेशो के दिए गए हैं, ठीक है। और इन्हों का अपन जोड़ा है इन्हों की वैल्यूज पूछी गई हैं बेसिकली, ठीक है। इस दे विच आप सब तो पहले की कर सकते हैं, ठीक है, इस दे विच साइड्स जिहड़ियां आपां नूं एजेस कह सकते हैं आप इसनों, ठीक है, किन्ने दिते ने 3, 4, 5, तो आपां इहनूं की कह सकते हैं 3x 4x, इसनों लिख सकते हैं 5x, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा अपना, वॉल्यूम कितना होंदा है अपना, वॉल्यूम बेसिकली आपां की करते हुंदे आ इन्हां दा क्यूब करते हुंदे आ, ठीक है। 3 दा क्यूब 4 दा क्यूब 5 दा क्यूब, ठीक है। 3 दा क्यूब करांगे 27 आजूगा, ठीक है, इतने आप डायरेक्ट ही लिख लेने 27, 4 दा क्यूब करा 64 आजगा, 5 दा क्यूब करा 125 आजगा, और जोड़ा एक्स का क्यूब है यह एज इट इज़ चलूगा ही चलूगा, क्योंकि अपने को जी वैल्यू आपने मनिया ने वो कि मनिया ने एक्स एक्स मनने अपने, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ठीक है। इतने आप करा इन्हों एड कर लेंगे 5 × 4 9 × 7 16 16, एक रिमाइंडर, 2 × 3 3 × 6 9 9 × 2 11 1 रिमाइंडर 1 × 2 216 x³, 216 x³ अपने को आ चुक है, यह वॉल्यूम आ चुक है, ठीक है। इस 216 x³ आप लिख सकते हैं 6x³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब की है, जो न्यू साइड मिल गई अपन कितनी मिल गई, 6x मिल गई, जो जी नवी क्यूब है जी बनेगी, ठीक है, एक क्यूब मिल गई अपन, और इसका डायगनल कितना हो जाएगा, इसका डायगनल अपने को कितना बन जाएगा, जो जी नवी क्यूब बन रही है 6x³³, यानी तुहानू दस्या गया सी
जो मेंसुरेशन चैप्टर करवाया गया है डायगनल का फॉर्मूला ए रूट थ्री होंगे तो ये वैल्यू क्यों नहीं है सिक्स एक्स है ठीक है थ्री ना आऊगा यानी कहना मतलब कि है सिक्स एक्स रूट थ्री सेंटीमीटर की है डायगनल है ठीक है यह डायगनल अपन इस कि दे रखे ऑलरेडी ये अपन 12 रूट के 3 के इक्वल दे रखे सिक्स एक्स रूट 3 इज इक्वल टू 12 रूट 3 दे रखे अपन ये ठीक है रूट 3 के रूट 3 कैंसल ठीक है 6 कम 6 6 दुना 12 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ठीक है एक्स की वैल्यू जो 2 आ गई तो आप इतों फाइंड कर ही सकते हैं 2 गुणा 3 किया 6 आ गया 2 गुणा 4 किया 8 आ गया 2 गुणा 5 किया 10 आ गया 6 8 10 इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा 6 8 10 इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ठीक है इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 6 8 10। नेक्स्ट देखो एक बैग है जिसके 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन ने ठीक है और इस रेशो के बीच ने ठीक है और टोटल रुपीज़ किन्ने ने 66 ने और 5 रुपये के जिहड़े कॉइन के नंबर ने वो पुछे गए ने अपन नूं किन्ने होणगे तो आपां की कर सकते हैं 1 रुपये के जिहड़े कॉइन ने किन्ने ने 4 4x लिख लैने आपां ठीक है उस तो बाद नैक्सट अपन क्या है 2 रुपये के जिहड़े कॉइन ने किन्ने ने 2 ने तो 2x लिख लेंगे प्लस 5 रुपये के जिहड़े कॉइन ने किन्ने ने 5x लिख लेंगे टोटल रुपीज़ किन्ने हो गए 66 66 के इक्वल कर देंगे ठीक है 4x आ गया 4x प्लस 25x आ गया इज इक्वल टू किन्ना हो गया 66 ठीक है 25 4 29 ते 4 33 33x इज इक्वल टू 66 आ गया ठीक है 33 1 33 33 2 66 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई ठीक है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई अपने को ठीक है 5 रुपये वाले कॉइन जो पूछे गए 5 रुपये वाले कॉइन किन्ने बने ने 5 बने 5x बने ने 5 गुणा 2 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 10 आ गया ठीक है 10 ने जोड़े 5 रुपये वाले कॉइन ने अगर आप 1 रुपये वाले पूछते तो 4x यानी 8 आ जाते ठीक है अगर 2 रुपये वाले पूछते तो 2x यानी अपने को वैल्यू है जी 2 गुणा 2 कर 4 आ जाते तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 10 होंगे 5 रुपये वाले कॉइन। नैक्सट क्वेश्चन देखो इस किन्ने नंबरस ने जोड़े जुलाई करते हैं 110 के स्केयर और 111 की स्केयर के विच ठीक है होल नंबर होने चाहिए ने ठीक है इस बेसिकली अगर आप 110 का स्केयर करिए और 111 का आप स्केयर करिए वैल्यू कितनी आती है अपने को 110 का स्केयर किया तो वैल्यू कितनी आ गई 12100 ठीक है और 111 का स्केयर करेंगे तो 12321 आऊगी 12321 ठीक है इस दे विच बेसिकली एक फॉर्मूला होंदा है ठीक है एक डायरेक्ट ट्रिक तुसी कह सकते हो ठीक है जो 12321 दे विचों आप डायरेक्ट 12100 माइनस करते हैं ठीक है 12100 माइनस करते हैं आप ठीक है इस दे नाल नाल आपां ने एक माइनस होर कर देना बस अपना उही आंसर आ जाऊगा ठीक है 12321 दे विचों 12100 माइनस किया तो 221 आ गया 221 दे विचों एक माइनस किया तो आंसर 220 आ गया ठीक है 220 अजिहे नंबर ने जो कि होल नंबर होणगे इन्हां दोनों दे विचकार तो इस क्वेश्चन आंसर कि आ गया 220 आ गया डी ऑप्शन 220। आई होप तुहानू ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा डायरैक्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन नू करन दी इस तरह ही करना अपने पेपर दे विच ठीक है आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 220। नैक्सट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन इस दे विच आपां नू क्या गया है समॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडड 3304 टू बेसिकली बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ठीक है 3304 दे विच आपां किहड़ा नंबर अजिहा ऐड करिए जिस दे नाल एक परफेक्ट स्केयर बन जाए 60 ऐड कर दो तो कि बन जूगा 3364 बन जूगा 3364 की स्केयर होंगे 58 का स्केयर होंगे तो इस क्वेश्चन का 3364 बनूगा यानी आंसर बनूगा ए ऑप्शन 60 60 नंबर ऐड करने 3364 बन जूगा जो कि 58 का स्केयर है तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन 60 60। नैक्सट क्वेश्चन देखो ए बी और सी ने जोड़े किसी काम को 6 8 और 12 घंटे के करते हैं ठीक है और यह कट्ठे काम स्टार्ट करते हैं 1 घंटा कट्ठे करते हैं उस तो बाद बी छड़ जाता है बाकी जोड़ा काम है ए और सी किन्ने टाइम के करे तो आपको पता है ए बी और सी ए किन्ने किन्ने टाइम के कर रहे हैं 6 8 और 12 इन एलसीएम कि आ गया इन एलसीएम आ गया 24 24 इतने कि आजगा अपना 4 यह एक कम कर एक यानी कम करता है 4 ठीक है 24 के करता है 3 और यह करता है 2 ठीक है हुण आपां ने इत्थे गल कीती है 1 घंटे की तीनों ने मिलकर 1 घंटा काम किया 4 ते 3 7 ते 2 9 यानी 1 घंटे के इन्होंने 9 काम कंप्लीट करते ठीक है 24 के 9 माइनस करो सब तो पहले तो ठीक है बच गया कितना 15 15 काम अपने बकाया बचे हुए हैं हाले यह काम कौन कौन करेंगे ए करेगा और सी करेगा इन दोनों का काम कितना है 1 दिन का यानी 1 घंटे का 4 ते 2 6 6 ना डिवाइड कर दो 6 दुना 12 12 3 बच गया 1/2 आंसर आ जाऊगा अपना ठीक है 2 सही 1/2 आंसर बन जाएगा 2.5 घंटे लग जाएंगे इन दोनों बाकी जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट करने के लिए ठीक है रिमेनिंग काम कंप्लीट करवाने अगर टोटल पूछना तो आंसर 3.5 आना चाहिए ठीक है दोनों क्वेश्चनों के फर्क है अगर तो आप रिमेनिंग पूछना तो आंसर 2.5 घंटे बनूगा अगर आप टोटल
काम करने लिए कितना टाइम लग गया तो उस केस दे विच 3.5 बन जाता। ठीक है, आंसर बनूगा 2.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखो, ये 92 नंबर क्वेश्चन है जेड़ा वो आपको क्या गया है, इस ए जो है यह थ्राइस गुड है वर्कमैन है किस तो, बी तो, बी है जेड़ा ट्वाइस गुड है सी तो। आप सब तो पहले की करा ए बी और सी की रेशो बना लेंगे। ठीक है, बी जो है यह सी तो ट्वाइस गुड है, अगर यह एक्स कम करता तो यह 2x करूगा। ठीक है, थ्राइस गुड है ए तो यह 3 गुणा करूगा तो यह कितना करूगा 6x, ये कितना करेगा 6x, तो इतने कितना आजगा अपना 6x आजगा। ठीक है, इन्हों तिना दे अगर आप मिला दिए 6, 2, 8, 9, 9x टोटल कम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं 1800 रुपये मिलते हैं, एक्स की वैल्यू कि आ गई 200 रुपये आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कि आ चुकी है 200 रुपये आ चुकी है, और अपन की पूछा गया है ए का शेयर पूछा गया, तो इतने एक्स की वैल्यू कि 200, 6 × 200 कर देंगे तो वैल्यू कि आ गई 1200 आ गई। ठीक है, 1200 आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन आंसर बन गया 1200 रुपये। आई होप तुम्हें यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इस आपको ए और बी का रेशो दे रखे ए वाला, ठीक है, बी और सी का ये दे रखे और सी और डी का ये दे रखे, ए बी सी डी का रेशो कढ़ना आपने। ठीक है, ये आप किमें करा, देखो सब तो पहला आप करा ए और बी और बी और सी का दोनों का कंबाइन करा, तो आप करा इतने सब तो पहला 1/2 दिता आपको, इतने कि 3/8 दिता है। ठीक है, इतने वैल्यू कि दी आप 1/3 दी है, इतने कितनी दी है 5/9 दी है। ठीक है, इतने आप दोनों वैल्यू में इक्वल करा, सब तो पहला इतने आपने 3/8 बनाना है तो इनू आप 3 मल्टीप्लाई करना पेगा 3 कर देंगे। ठीक है, इसको आप कि करा 1 करा, बटे कि करना पेगा इतने 3 इतने 8 है। ठीक है, इतने आप एक अलग तो ही नंबर जोड़ा है वो बना लेंगे। ठीक है, इनू आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इनू 8 कर देंगे तो कि 24 बन जाए। ठीक है, इतने अपने को एक वैल्यू अलग तो बन जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी, ए कि बन जाएगा। ठीक है, इतने अपने को एक नाल एक मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 × 3 किया तो वैल्यू कि आ गई 6। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो, इतने है वैल्यू अपने को 3 आजगा एज इट इज़। ठीक है, 3 × 8 = 24 आ गया। उस तो बाद 5 × 5 9 × 3 = 27 आजगा, 9 × 3 = 9 = 72 सॉरी। ठीक है, इतने अपने ये करना है ना। ठीक है, 5 × 9 = 8 × 9 = 72 72 आजगा इतने। ठीक है, इतने कि आएगा अपना 72, क्योंकि आपने जोड़े ये दोनों दते होंगे ने जो आप इनू ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं अलग तो एक नंबर लैके अलग तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी करा ये भी करा, इस तरह यह जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी करा ये भी करा, इस करके आप दोनों मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इस करके इतने 5 की बजाय कि होगा 15 आऊगा, 3 × 5 = 15 आता है। ठीक है, 9 × 8 = 72 आ गया। उस तो बाद सी रेशो डी कि वैल्यू अपन दी गई है, सी रेशो डी की वैल्यू दी गई है 5/6 / 3/4। ठीक है, ये दी गई है, इतने आप बराबर बना लेंगे। ठीक है, इतने कि आजगा 5 × 3 = 15 आजगा, इतने कि आजगा 12/6 = 72। ठीक है, 12/6 = 72, तो इतने वैल्यू कि बन जूगी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो इतने कि वैल्यू बन रही है, इतने तक तो सेम आऊगा अपने को। ठीक है, इतने 1/6, इतने कि आजगा 3/24, इतने कि आजगा 15/72, इतने कि आजगा इतने आजगा 3 × 5 = 15 × 6 = 24। ठीक है, सॉरी 3 × 3 = 9 और 12 × 8 = 48 इतने आ जाएगा अपने को वाला। अगर आप इन्हों का एलसीएम लीए सारे का, इन्हों का एलसीएम कितना बन जाएगा, इन्हों का एलसीएम बन जाएगा अपना 72 × 144 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू कि आजगी, इतने सब तो पहला ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी ये आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, 144 डिवाइड किया 6 × 6 = 12 2 आ गया, 2 बच गया 24 बच गया, 6 × 24 = 24 आ गया इतने। ठीक है, इस तरह आपने 3/24 मल्टीप्लाई किया 144 के 24 × 6 = 144 होंगे और 3 × 6 = 18 होंगे 18 आ जाएगा इतने 24 × 18। उस तो बाद 72 × 144 15 × 30 आ जाएगा इतने। उस तो बाद 48 × 3 = 144 3 × 27 आ गया। ठीक है, ये अपने को आ चुके हैं। उस तो बाद आप अगे भी इन्हों 3 के टेबल पर कर सकते हैं, 3 × 24 ठीक है, 3 × 6 = 18 3 × 10 = 30 3 × 27। ठीक है, देख लो कि ऑप्शन आएगा अपना 8 × 6 = 10 9 8 × 6 = 10 9 इस क्वेश्चन आंसर बनेगा, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन 8 × 6 = 10 9। नैक्सट देखो, 94th यह बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये क्या है अपन सी पी जो है यह आर्टिकल का 40% है एस पी तो।
ठीक है। अगर आप सीपी और एसपी ले लिए थे, एसपी मान लो 100 रुपये है तो सीपी 40% है तो 40 रुपये हो गया, ठीक है। ये डिफरेंस कितना है, ठीक है, 60 रुपये का, यानी प्रॉफिट कितना होगा 60 रुपये। बट अपन को पूछा गया है द परसेंट दैट सी एस पी इज ऑफ सी पी इज, यानी एस पी जो है 100 रुपये इस सी पी का किन्ने परसेंट है, तो आप की करा 100 बटे कर देंगे 40 गुणा कर देंगे 100 के नाल, ठीक है। इतने कि आजगा 40 100 ना डिवाइड करा 2.5 आ जूगा, 2.5 इंटू 100 किया था कि आ गया अपने को 250%, 250% आंसर बनेगा डी ऑप्शन, 250% इस क्वेश्चन आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो कॉस्ट प्राइस जो है 20 आर्टिकल्स का कितना है, यह 16 आर्टिकल्स के सैलिंग प्राइस से बिल्कुल इक्वल है, यानी कहने का मतलब की है 20 रुपये 20 जिहड़े कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल का, ठीक है, ये 16 आर्टिकल के सैलिंग प्राइस से बराबर है। कहने का मतलब की है कॉस्ट प्राइस आप मान लेंगे 16 रुपये, एस पी कहना मान लेंगे आप 20 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल का कितना है 16 रुपये, ठीक है। इतने 16 आर्टिकल का जो प्राइस है सैलिंग प्राइस 20 रुपये है, ठीक है। तो अपन प्रॉफिट पूछा गया या फिर लॉस पूछा गया, इन्होंने प्रॉफिट हो रहा तो 4 रुपये प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 16 रुपये बटे 16 आ जूगा, गुणा कर देंगे 16 100 के नाल, 4 एकम 4 चौकम चौके 16, 4 एकम 4 25 चौके 100, 25% की हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इस क्वेश्चन आंसर कितना बन गया 25% की हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 25% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 नंबर क्वेश्चन, इस 33 जिहड़े ओरेंजेस ने संतरे ने इन्हों सेल किया जाता है और इस वेंडर जिस द्वारा सेल किए जा रहे हैं इसमें 11 ओरेंजेस के सैलिंग प्राइस के बराबर जो गेन है वह होंगे, ठीक है। इस आपको गेन परसेंट पूछा गया है इस क्वेश्चन के, आप इस क्वेश्चन की कर सकते हैं अगर आप कॉस्ट प्राइस सैलिंग प्राइस अगर आप 33 रुपये ही मान लीए, 33 ओरेंज का सैलिंग प्राइस अपने 33 रुपये ही मान लिया, ठीक है, और इस आप जो प्रॉफिट है वह कि हो रहा 11 ऑरेंज के बराबर हो रहा, यानी 1 रुपये का अगर आप एक ऑरेंज मान लिए तो 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इतने प्रॉफिट 11 का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 22 रुपये, ठीक है। गेन परसेंट पूछा गया है तो गेन कितना है 11 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना है 22 रुपये बटे कर देंगे 22 गुणा कर देंगे 100 के नाल, 11 एकम 11 दुना 22 2 एकम 2 50 दुना 100, यानी 50% का की है गेन है। आंसर बनेगा ए ऑप्शन 50% 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। बेसिकली ये अपन तीन चीज़ा जीडिया ने वह पता करनिया पैनगियाँ, सब तो पहला तीन चीज़ा की ने कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस और सैलिंग प्राइस, ठीक है। इस बेसिकली अगर आप मार्केट प्राइस में 100 रुपये मान लिए तो आपने डिस्काउंट दिता 10%, का सैलिंग प्राइस कितना हो गया 90 रुपये, ठीक है। और इस 90 रुपये के उपर इस परसन इस शॉपकीपर 26% का प्रॉफिट होंगे, कहने का मतलब की है देखो इस दे विच जो 126% की वैल्यू है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होंगे 100%, ठीक है, 26% प्रॉफिट हो रहा है तो 126% की वैल्यू कितनी अपने को 90 रुपये दिती गई है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100% होंगे 100% कर लेंगे 90 बटे 126 आ गया, गुणा कर देंगे आप 100 के नाल, ठीक है। उस तो बाद की कर सकते हैं आपू कट सकते हैं, ठीक है, यह किन्ने कट जाएंगे अपने 3 से 3 के टेबल से कट सकते हैं, 30 से 90 और यानी 3 से टेबल से कटता अपने 30 से 90 हो गए, ठीक है, 3 चौके 12 3 दुना 6, ठीक है, 3 चौके 12 3 दुना 6। उस तो बाद 3 दहा 30 आ गया, इतने आ गया अपने को 21, ठीक है, इतने अपने को आ जाएगा 21, ठीक है, सॉरी इतने 3 के टेबल से करा कटा तो कि आएगा 3 के टेबल से कटा तो 14 आएगा, ठीक है, 3 दहा 30 होएगा और 14 30 42, ठीक है। इतने अपने को वैल्यू नहीं आ गई, इतने अगर आप इन्हों कट दिए तो इतने वैल्यू नहीं आ गई अपनी 50 कट देंगे, इतने कि आजगा 7 आजगा, ठीक है। इतने वैल्यू कि आ गई 50 गुणा 10 किया तो कि आ गई वैल्यू 500 बटे कि आ गया इतने अपना 7 आ गया, ठीक है। यह अपने कोचुअल जो 100% है यानी कॉस्ट प्राइस है वह अपने कोचुअल आ चुका है, यानी कॉस्ट प्राइस है कि वह है 500 बटे 70 रुपये, ठीक है। और हुण आपां नूं की पूछा गया मार्केट प्राइस है जिहड़ा यह किन्ने परसेंट अबब है किस तो कोस्ट प्राइस तो, जिहड़ा यह 100 रुपये है यह किन्ने रुपये ज़्यादा है इस 500 बटे 7 तो, आप की करा 100 रुपये के 500 बटे 7 कटा देंगे, ठीक है, 700 माइनस 500 किया कि गया 200 बटे 7, तो यह की हो गया अपने को परसेंटेज अपने फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। यह अपने को वैल्यू आ चुकी है जो वध है,
ठीक है, वाधा है तो आप इसको की करेंगे कि उस तो बाद अपने जो परसेंटेज ऑफ फाइंड करनी है, मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस कि अबब है 200/7 अबब है, 200/7 लिख लेंगे, और कॉस्ट प्राइस कितना है एक्चुअल दे विच अपने कोले 500/7, 500/7 गुणा कर देंगे अपन 100 दे नाल, ठीक है, कहने का मतलब की है 200/7 गुणा 7/ कितना जो 500 गुणा कर देंगे अपन 100 दे नाल, 7 दे नाल 7 कैंसल, और दो जीरों दे नाल अपनियां दो जीरों कैंसल हो गई, ठीक है, 5 × 5 = 20 यानी 40% आ गया आंसर बन जाओ इस क्वेश्चन का, 40% 40% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है अपना सी ऑप्शन 40%। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होएगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 98th नंबर क्वेश्चन, इस दे विच जो लोंगेस्ट रोड है, ठीक है, जो एक रूम दे विच रखी जा सकती है, वह आपां नूं पुछा गया है किन्नी हाइट दी किन्नी मीटर दी होएगी, ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब कि मान लो आह रूम है, ठीक है, इस दे विच आपां ने एक रॉड रखनी है, तो यह की हो गया एक डायगनल का काम कर रहे हैं, ठीक है, डायगनल का काम कर रहे हैं, तो उस केस दे विच डायगनल का अपने कोल फॉर्मूला होंदा एक अलग तो, ठीक है, मैंसुरेशन दे विच चंगी तरह करवाया तुहानू, ठीक है, इस दे विच ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की वैल्यू होंदी है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आपां दित्ती गई है इत्थे, ठीक है, एल बी एच भी लिख सकते हैं इसमें आपां, ठीक है, और बी की स्केयर करांगे तो कितना वैल्यू बन जूगी अपने कोल 400, 16 की स्केयर किया 256 आ गया, 256 12 की स्केयर किया 144 आ गया, 400 प्लस 256 प्लस 144 तो इतने वैल्यू नहीं आ गया 800, ठीक है, 800 आप लिख सकते हैं 400 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 400 का जो बाहर की निकल जाएगा यानी अंडरूट करने तो बाद बाहर की निकल जाएगा 20 आ जाएगा, और अंडरूट 2 है जो अंदर रह जाएगा, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 2√2 आ गई, तो इस क्वेश्चन आंसर जो है अपना सी ऑप्शन है 2√2। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो, जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और सैलिंग प्राइस के बीच कितना है 132 रुपए का, ठीक है, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू 132 रुपए, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 8% है, ठीक है, सी पी हमेशा अपने 100% लेना होंगे, ठीक है, अपने ध्यान में रखना है, तो एस पी कितना आ जाएगा 108%, ठीक है, इतने अपने को अगर आप 108x मान लिए इस एस पी नू, इस 100% की वैल्यू घटा देंगे जो आप 100x 132 रुपये आ गई, ठीक है, 8x की वैल्यू अपने कोल कितनी आ गई 132 रुपये, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 132/8, 8×8 और इतने कितना बच गया अपना 5, ठीक है, इतने अपने कोल वैल्यू कितनी बच गई 5 और 2, 8×6 = 48 आ गया, 8×6 = 48 आ गया, 4 बच गया, उस तो बाद 4 ते यानी 16 × 1/2 यानी आप कह सकते हैं 16.5 अपने कोल वैल्यू आ गई इतों एक्स की, ठीक है, उस तो बाद अपन की पता करना है इसका, अपने पता करना है इसका सैलिंग प्राइस, ठीक है, सैलिंग प्राइस पता करना है यानी इसका अपने 108% की वैल्यू फाइंड करनी है, 108 × 16.5, 16.5 × 108 इसनों तुसी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो जी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1782 रुपये मिल जाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर कि अपना 1782। वैसे तो इस तरह भी कर सकते हो जिमें 8 का जो अद्ध होंगे कि होंगे 4, जो 8 के 4 ऐड करा तो लास्ट के अपना डिजिट 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन लास्ट के डिजिट 2 है तो आंसर डायरैक्ट अपना डी बन जाएगा 1782 रुपये। आई होप तुहानू यह क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लीयर होया होगा। नैक्सट क्वेश्चन देखो 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, इस आपको पूछा गया 12 जनवरी 1979 को कौन दिन होएगा, ठीक है, 12 जनवरी 1979 को कौन दिन होएगा यह पूछा गया अपन, ठीक है, यह तुहानू बहुत वधिया तरीके जिहड़ा है एक ट्रिक दसी गई है उस तरीके कर सकते हो, डायरैक्ट मैं तुहानू इसका आंसर दसन लगे, इसका आंसर है फ्राइडे शुक्रवार, किवें करते हुंदे आ 12, ठीक है, जनवरी का कोड 0 होंगे, ठीक है, 0 लिख लेंगे, ठीक है, और 1900 का कोड भी 0 होंगे, 0 लिख लेंगे, उस तो बाद 79 एसटी लिखना होंगे, और 79/4 करांगे तो 19 × 74, 20 × 80 यानी 19 इतने 19 आ जाएगा, ठीक है, उस तो बाद अपने 7 डिवाइड कर देना, 7 × 70 11 × 7 = 70 2 बच गया, 19 × 2 = 21 7 कैंसल हो गया, ठीक है, 7 कैंसल करेंगे 12 तो बच गया अपने को 5 से कितना होंगे 1 2 3 4 5 ये 5 दिन हो गए, मंडे ट्यूजडे वैनसडे थर्सडे फ्राइडे तो आंसर फ्राइडे बन जूगा डायरेक्ट, ठीक है, यह अपना इस क्वेश्चन आंसर फ्राइडे शुक्रवार। ये 100 दे 100 क्वेश्चन जो इस पंचायत सैक्रटरी के एग्जाम के पुछे गए थे, ये अपने कवर कर ले डिटेल दे विच इस वीडियो दे विच, ठीक है, सारे के सारे तुहानू सॉल्व करवाते जिन्हें भी पेपर दे विच इस दे विच क्वेश्चन पुछे गए थे, ठीक है, इस तो इलावा तुसी देख सकते हो पंचायत सैक्रटरी का कोर्स
ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IQ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ MG500 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ 3000 ਰੁਪੀਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 101% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 100 ਦੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕੂਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ PDF ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ IQ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ